नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ हेलो। हाँ सर, नमस्कार। गौरव जी नमस्कार। कुमार बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी बताइए, आपने मैसेज किया था। जी सर, मैसेज किया था। दो चार क्वेरीज थी सर। सबसे पहले तो वही सबसे बड़ा मैटर जो है, बीएड वर्सेस बीटीसी। अब वो कहाँ बड़ा रह गया। सर सबकी नजरों में तो अभी भी बड़ा ही है। डीएलएड वालों ने तो बहुत परेशान किया हुआ है। अरे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं क्या किसी? ग्रुप पे नहीं हूँ सर, रेगुलर उससे जुड़ा हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, मतलब चैनल से जुड़ा हूँ आपके। अच्छा, तो इसीलिए तो हमने जो है ग्रुप में डाला है, जी सर। वो आपको मिला नहीं, और वो आप जा करके एनसीटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जो अभी तक लोग कह रहे थे कि योगेश जी ने कहा है कि जो है कोई कोर्स जो है सभी लेवल पर कैसे हो सकता है, तो हाँ सर, बयान आया था उनका। अब वही योगेश जी अभी जी सर, मीटिंग करके जी प्रस्ताव सर, जो था उसको स्वीकार करके जी सर, और उसको फाइनल भी कर दिए, मुहर लगा दिए, वही योगेश जी। मतलब मीटिंग जो सभी राज्यों के साथ जो मीटिंग हुई है। नहीं, ये मीटिंग जो हुई है वो जी सर, जो 4 वर्षीय बीएड है जी सर, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन जी प्रोग्राम, जी सर, इस पर 13 लोगों ने जो है साइन किया है। अभी हमने ग्रुप में डाला है वो पूरा पीडीएफ, अच्छा सर, तो उसमें योगेश जी का भी साइन है। नंबर 1 पर योगेश जी हैं क्योंकि वो चेयरमैन हैं। जी तो सर, अब जो योगेश जी कह रहे थे कि कोई कोर्स सभी लेवल पर कैसे हो सकता है, हाँ सर, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के जस्ट बाद आया हाँ, था उनका बयान। और वही योगेश जी जो है ये प्रस्ताव स्वीकार करके पास किए हैं, और जी ये उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5+3+3+4 सभी लेवल के लिए है ये। अच्छा सर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो तो इसी बेस पे है। हाँ, वो इसी बेस पर बना है। और जी ये सर, जो नया ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 वर्षीय बीएड के लिए उन्होंने फाइनल किया है, जी प्रस्ताव सर, को स्वीकार भी किए, 57वां मीटिंग हुआ था जुलाई में, जी उसमें जी सर, प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, और अभी अच्छा 58वां मीटिंग हुआ है 30 अगस्त को। 30 अगस्त यानी कि 11 अगस्त को जो जजमेंट आया है, उसके बाद जी योगेश जी सर, का स्टेटमेंट आया, उसके बाद ये मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में वही योगेश जी सभी लेवल के लिए ये 4 वर्षीय बीएड को वैलिड स्वीकार कर लिए। अच्छा सर, मतलब ये इंटरनल मीटिंग थी एनसीटी हाँ, की। तो लोग जो है जी सर, कोई स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया में आकर के, टीवी चैनल पर या अखबार में कहीं कुछ छप जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, भ्रामक खबरें बहुत ज्यादा हैं और बाजार हम में। कहते हैं कि कोई अगर टीवी पर बोल रहा है, अखबार में कहीं कोई चीज आ रहा है, आप अगर उसको पढ़ करके उसको वैल्यू दे रहे हो तो आप अनपढ़ हो। क्योंकि बिल्कुल सर, उसका भाई सुबह 5 रुपए 7 रुपए का अखबार मिलता है, एक हाँ घंटे उसका दो काम घंटे ही है सर, वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो दुकान कैसे चलेगी। 1-2 घंटे बाद वही अखबार आप देखेंगे, मूंगफली वाला मूंगफली बांध करके बेच रहा होगा, घर में महिलाएं जो है उसी से बच्चों को पोटी साफ कर रही होंगी, उसकी क्या वैल्यू है बताइए। बिल्कुल सर, सही बात है। वही टीवी चैनल अभी सुबह बोलेगा कि आज जो है तेज धूप निकलेगी, कि 2 घंटे बाद कहेगा नहीं नहीं आज बारिश होगी। हाँ तेज बारिश होगी। तो इन लोगों का जो स्टेटमेंट चेंज होता है, तो जो स्टेटमेंट चेंज होता है क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ सर, वही आर्टिकल 19 है, बोलने की आजादी है। तो बोलने की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। हम YouTube पर अपने वीडियो जो है जो भी कन्वर्सेशन होता है डालते हैं, न जाने कितनी बार हम कितने नेताओं मंत्रियों को क्या क्या बोले होंगे। कुछ हुआ है आज तक? नहीं हुआ है, नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं हुआ उनके बिल्कुल पास सर, टाइम कहाँ है कि आकर के सुने, देखें एक एक व्यक्ति की कौन क्या उनके बारे में बोल रहा है। फेसबुक पर यहाँ वहाँ मोदी जी के बारे में न जाने कितने लोग क्या क्या लिख रहे हैं, अब उनके पास ये टाइम है कि कौन हमको हाँ गाली सर, दे रहा है। लोकतंत्र का पूरा फायदा उठा जाता तो है। कुल मिलाकर के योगेश जी ने मीडिया में क्या बोला, हमने तब भी कहा था कि वो एक न्यूट्रल पर्सन है, उनका बीएड या बीटीसी या डीएलएड से कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, उनको जो ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम हाँ करते बिल्कुल हैं। सर, और फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगर लगातार खिलाफ बोलेंगे तो अवमानना का भी दिक्कत हो जाता है फिर, तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो वो उसके अगेंस्ट तो बोलेंगे ही नहीं, और तो वो काफी तो उलझा हुआ ऑर्डर है सर। मैंने खूब पढ़ा है ऑर्डर को, क्लियरली तो उसमें बहुत कुछ है भी नहीं, ये भी नहीं पता कि लागू कब से होगा। ये 11 अगस्त वाले ऑर्डर की बात कर जी रहे हैं ग्यारह ना। अगस्त वाला, हाँ सर, पहले तो उस ऑर्डर में यही नहीं लिखा हुआ है कि जब हम 2018 का गजट रद्द कर रहे हैं, जी तो सर, ये जो रद्द कर रहे हैं तो 18 से 23 तक के बीच में लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो
11 अगस्त के पहले जो सिलेक्ट हो चुके उनका क्या करना है, या कोई चयन प्रक्रिया चल रही है कहीं तो उसका क्या करना है, कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, और वो जो भी, राजस्थान के सापेक्ष में है वो, हाँ वो पूरा ऑर्डर राजस्थान मैटर पर ही है। क्योंकि 25 नवंबर 2021 जो था राजस्थान हाई कोर्ट का, उसी को तो कंटिन्यू किया है उसने, हाँ बस उन्होंने कंटिन्यू किया है, और अपहेल्ड ऑर्डर, कर दिया उसी को। हाँ और लोग ऑर्डर का एक एक लाइन दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ये लिखा है, अरे वो वो सर लिखा जो है एडवोकेट की कन्वर्सेशन है उसी को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन बता रहे हैं। बिल्कुल। कोई भी चीज जब ऑफिशियल जारी होता है तो उन्हें एक एक चीज का जिक्र करना होता है, तो ऑर्डर में ऊपर जिक्र किया गया है कि कौन से वकील ने क्या पक्ष रखा, कौन कौन से पॉइंट रखे अपनी बात को, अपने तर्क को जो सही हाँ साबित सर करने वो के जी लिए। जी उसमें से जो है उठा उठा करके लोग कह रहे हैं बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर हो गया, इन इन कार्डों से बीएड वैलिड नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई वो तो डीएलएड का वकील का काम ही था ये सब पॉइंट वहां रखना, हाँ बिल्कुल सर ये बात ना एनसीटी बोल रही है ना सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, वो तो डीएलएड के वकील ने बोला है और वो चीज वहां मेंशन किया गया। जैसे अभी केवी का आया नोटिस, जी हमने देखा फेसबुक पर सेकेंड पैरा का जो लास्ट लाइन है उसको अंडरलाइन करके लोग खूब शेयर कर रहे हैं कि केवी से बीएड बाहर, बीएड बाहर, बीएड बाहर। हमने इस पर एक वीडियो बना करके डाला है, शायद आपने देखा होगा, हाँ सर तो देखा, उसमें हमने डिटेल में बताया है कि पैरा पहला क्या है, दूसरा पैरा क्या है, मतलब वो तीसरा क्या अपने है। मतलब का जो है उसी को बस निकाल करके और अंडरलाइन कर दे रहे हैं। हाँ जो केवी ने जो लेटर जारी किया, नोटिस जारी किया, उसमें 5 पैरा है। पहले पैरा अच्छा में सर वो बता रहे हैं कि हमारे विज्ञापन में पहले ही सूचित किया गया था कि जो बीएड वाले हैं उनको सशर्त हम जो है फॉर्म भरने दे रहे हैं, जो कुछ, हाँ माननीय हाँ सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अधीन होगा उनका, उसके सही अधीन बात होगा। ये सिर्फ ये याद दिला रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहे हैं, अभी वो जी। कुछ कह नहीं रहे हैं कि हम उसको पूरा करने जा रहे हैं कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं। तो 2-3-4 लाइन में उन्होंने उसका जिक्र किया है सिर्फ। फिर सेकेंड पैरा में वो जिक्र कर रहे हैं 11 अगस्त के जजमेंट का, एक लाइन उन्होंने अपने से लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है, बाकी तो वो पूरा जिक्र किए हैं कोर्ट ऑर्डर का। एक लाइन वो अपने से जोड़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीएड को बाहर करना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो उस हाँ पॉइंट, डायरेक्टली नहीं लिखा है सर, हाँ बिल्कुल तो सही कह डायरेक्टली रहे कहीं हैं। नहीं लिखा है, तो ये डायरेक्टली लिख दे रहे हैं इस बात को। तो पहली बात तो जब वो कोर्ट ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं तो कोर्ट ऑर्डर में जो लाइन है उसको मेंशन करना चाहिए था, ये अपने से एक जी लाइन जी जोड़ दिए, वो क्यों जोड़ दिए लोग ये नहीं समझ पाते हैं। भाई पॉलिटिक्स भी कोई चीज है, राजनीति कूटनीति ये भी कोई चीज है, क्योंकि सिर्फ बीजेपी शासित राज्य नहीं है, गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, तो कौन हाँ सर चाहेगा कि वो कोई फायदा उठा ले या वो कोई काम कर ले, तो वो उनको तो चाहेंगे ना गुमराह करना, हाँ, वो वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ राजस्थान सब ये दिखाई रहे हैं ये सब चीजें तो तो इनको तो गुमराह करना है कि जो करना है। गैर बीजेपी वाले हैं उनको गुमराह करें। तो एक लाइन उन्होंने मसाला डाल दिया केवी के नोटिस में जी कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बीएड बाहर करने के लिए, तो वो पॉइंट लेकर के लोग दिखा रहे हैं। खैर उन्होंने वहां उस पैरा में सिर्फ जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, और जो बीएड बाहर के लिए वो लिख दिए हैं डायरेक्टली वैसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में है ही नहीं है। फिर तीसरे पैरा में वो कंक्लूड कर रहे हैं जी कि भैया सर ये जो ऊपर 2 पैरा है इसके आधार पर कुछ कैंडिडेट्स जो है उन्होंने मेरे पास लेटर भेजा है कि सर मेरे पास बीएड और डीएलएड दोनों है, मैंने बीएड से फॉर्म भरा है और मैं चाहता हूं कि जो है कि मेरा डीएलएड, डीएलएड से भी हाँ अप्लाई हो जाए तो जी। तीसरा पैरा वो साफ कर रहा है कि ये नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स ने उनसे निवेदन किया इस वजह से इस नोटिस को जारी करने का डिसीजन लिया गया, और ये चौथा पैरा में ये बात लिखा है। जैसे अभी बीपीएससी में किया गया था हाँ तो तीसरे जी पैरा में वो बता रहे हैं कि हमारे पास निवेदन आया है कैंडिडेट्स का, चौथे पैरा में लिख रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने इस पर जो है पॉजिटिव जो है डिसीजन लिया है कि लिया उनके है, लिए विंडो ओपन कर देते हैं। ओपन किया जाएगा वो। तो चौथे पैरा में तो अधिकारियों ने जो डिसीजन लिया है वो है, पांचवें पैरा में डेट का जिक्र किया गया है, टाइम का, कि कब से कब तक विंडो ओपन किया विंडो जा रहा है। खुलेगी वो 4 दिन के लिए। 5 पैरा इस तरह से कंप्लीट हो गया, और पांचों पैरा में कहीं ये नहीं लिखा है कि हम रिजल्ट जो है घोषित करने जा रहे हैं, हम बीएड को बाहर करके रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लोग बिना पढ़े बिना समझे कोई कुछ भी लिख दे रहा है उसके पीछे भागने लग रहे हैं कि हाँ हाँ बस सर ये ये तो हो ऐसा है रहा है, वैसा है। और इससे मानसिक प्रताड़ना केवल बीएड धारियों को हो रही है देखिए हम हमेशा कहते हैं जो भी व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करेगा जी। वो दबा कुचला शोषित हाँ सब शोषित ही कुछ रहेगा होगा। सर, बिल्कुल सर अगर कोई कहता है कि जो है ओबीसी के साथ पहले ऐसा हुआ, एससी के साथ पहले ऐसा हुआ, एसटी के साथ पहले ऐसा हुआ,
जी सर। ये ओबीसी एससी एसटी ये तो बाद में कैटेगराइज किया गया ना, हाँ सर, पहले तो जब वैदिक भी, काल से था सर ये तो चला हाँ हुआ। पहले हाँ कभी न कभी एक ऐसा समय रहा होगा जब जातियां नहीं रही होंगी, बिल्कुल नहीं नहीं रही रही होंगी। होंगी, हाँ, धीरे धीरे हर चीज का अब निर्माण वर्ण हुआ है। व्यवस्था तो सर क्रम आधारित थी ना हाँ तो बाद में जी। धीरे धीरे चीजें बनी, तो जो अपने आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जो है प्रयास नहीं किया आगे बढ़ने का, वो धीरे धीरे जो है पीछे होता गया, उसका शोषण होता गया, तो वो खुद उसका जिम्मेदार हुआ देखा जाए तो। अब लेकिन वो गलतियां किया, उसके आने वाली आगे की पीढ़ियां उन चीजों को वो फिर बाउंडेड हो गई चले। इस चीज से हाँ जी। तो ऐसे ही आज भी हो रहा है कि मैक्सिमम लोग जो फेसबुक पर यहाँ वहां कहीं भी किसी का कुछ भी पढ़ करके या यूट्यूब जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनका सुन करके सिर्फ, और उनको सच मान ले रहे हैं, तो वही जाहिर सी बात है कि उनका शोषण तो डीएलएड के होगा। एडमिशन की बाढ़ आ गई है सर यूपी में अभी तो अभी देखिएगा ना, आज से जो सर तो हुआ कॉलेज है। 20 किलोमीटर जंगल में बने हैं ना खेतों के बीच हाँ में, हाँ उनके भाव भी मतलब पूछिए मत। गवर्नमेंट भी, यूपी गवर्नमेंट खास तौर पर बहुत समय जो है हर चीज को जानते हुए उसी हिसाब से जो है फूक फूक के कदम रख रही है। उन्होंने जी देखिए कितना डिले कर दिया है डीएलएड और बीएड दोनों का एडमिशन, सितंबर चल रहा हाँ है सर अभी काउंसलिंग हो रही लगातार। है, हाँ, बिल्कुल 2 महीने डिले हो चुका तो ऑलरेडी। ये चीज डिले जो है वो सब उनके हाथ में होता है क्या करना कैसे ना, तो वो डिले जानबूझकर किए हैं। पहले तो केंद्र हाँ सर सरकार लग ने रहा है कि दुकान बंद थी तो चला लो, तो कुछ दिन के लिए तो तो चलाओ उसको। पहले तो केंद्र सरकार ने डिले कराया जजमेंट अगस्त में लेकर आया अपनी प्लानिंग के अनुसार कि आगे क्या कैसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है जैसे जैसे केंद्र सरकार चल रही है वो डाल डाल, तो यूपी गवर्नमेंट पात पात चल रही है। बिहार जी सरकार सर, को देख लीजिए आगे उछल रहे हैं, तो मसाला इन्होंने भी दे दिया कि जो है कैबिनेट ने पास कर दिया नया आयोग है, जो है ऐसा होने जा रहा वैसा होने जा रहा, जब देखा कि बिहार आगे बढ़ गई उछल करके, तो फिर जी सर। अपना जो है पल्ला झाड़ लिए कि भैया इस साल तो हम नहीं कर पाएंगे अगले साल करेंगे। तो ये जो है अभी डीएलएड का जो है काउंसलिंग वगैरह की प्रक्रिया चला रहे हैं। दूसरी तरफ जी ठीक जो संसद बैठने जा रही है उससे पहले इन्होंने बीएड की काउंसलिंग शुरू कर दिया है। काउंसलिंग का डेट क्या रखा है, 15 से 22। और सेम विंडो ही लगभग डीएलएड का है हाँ तो जानबूझकर जी। रखा है इन्होंने कि इसमें 15 से शुरू करेंगे, 2-3 दिन तक तो कोई रिस्पांस रहेगा नहीं कैंडिडेट्स का, बहुत कम रहेगा, तो वैसे ही दिखाएंगे कि बिल्कुल बीएड में कोई नहीं आ रहा, ऐसा है बस इतने लोग अभी तक कराए। और फिर जैसे ही 18 से 22 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बीएड के लिए करने जा अब रही है। 18 से 22 पे आ रहा हूँ सर। सर ये स्पेशल सेशन वाली बात सच है, मतलब सोर्सेज आपके बिल्कुल पुख्ता है क्या कि आएगा अमेंडमेंट? देखिए आपके घर में आपकी बहन का विवाह कल है और कल जी सर, सारे मेहमान आ गए, पूरी तैयारी हो गई है, खाना पीना सब चल रहा है, हर कोई जो है एंजॉय कर रहा है और जी पूरी सर, तैयारी है, और अचानक जी से बहुत भयानक 2 घंटे मूसलाधार बारिश हो जाए, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा? अब तो व्यवस्था तो तीतर बीतर हो जाएगी सर, व्यवस्था तीतर बीतर होगी, ठीक बिल्कुल, खान लेकिन पान उसको डिस्टर्ब संभाला हो भी जाएगा, जाएगा बहुत भयंकर बारिश हो रही है, ग्राउंड में पूरा जी। पानी पानी हो गया है। अब इसमें बताइए आप कौन सा काम किसको तवज्जो देंगे कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए? अब सबसे पहले तो सर व्यवस्था को ही संभाला जाएगा, भले ही कुछ सबसे वो जो पहले शादी है सबसे वो भले ही 2 दिन डिले हो जाए, अच्छा शादी 2 दिन डिले कर देंगे, मतलब अगर गांव में आने की ही कंडीशन नहीं है सर, आप कह रहे हो सब कुछ कि हो रहा तालाब बन गया है ऐसा। नहीं, हमने कहा कि बारात आ चुकी है, खाना पीना हो रहा है, सब लोग वहां आ चुके हैं, उस वक्त बारिश हो गई एंड टाइम पर। अब अच्छा इस सर, वक्त आप किस तरफ महत्व देंगे, क्या रोक दें क्या अब उस समय ही चलने नहीं दें? सर, उस समय तो शादी पूरी की जाएगी पहले। हाँ आपका जी उद्देश्य क्या है, शादी, और सारे जी मेहमान खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो भीग रहे हैं या सूखे हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जो है जिम्मेदारी निभा सकता है, वो स्वयं अपने ले आप को सकता बचा है सकता है, जी तो सर, हमें वो देखना जरूरी नहीं, हमारे जरूरी क्या है उस दिन, मेहमान रुक रहे हैं या जा रहे हैं ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, हम किसको किसको हाँ रुकेंगे, रस्म पूरी होनी चाहिए जो जिसके लिए इम्पोर्टेंट इतना क्या है। तामझाम, हाँ हम लोग खोजेंगे कि कहाँ पर जो है ये काम, इम्पोर्टेंट तो शादी है इसलिए इतना कुछ किया गया है। तो शादी तो हर हाल में आप कराएंगे ही कराएंगे, खाना भी खराब हो गया पूरा पानी में डूब गया कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई दिक्कत नहीं है सर। मेहमान नाराज होकर लौट गए कोई फर्क नहीं पड़ता, जी सर, फर्क कहाँ पड़ता है, अगर शादी नहीं हुई तो। नहीं हुई तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो उस चीज को जिससे फर्क पड़ता है आप वो काम हर हाल में कराना चाहेंगे, आपका अगर नीचे का फ्लोर जो इस तरह से हो चुका है तो आप पंडित जी से कहेंगे हम ऊपर वाले फ्लोर पर व्यवस्था करा रहे हैं, विवाह का बिल्कुल कार्य आप सर, संपन्न कराइए, 4 लोग उधर से रहेंगे 4 लोग इधर से रहेंगे, तो भी विवाह संपन्न हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना।
तो बिल्कुल हो जाएगा इम्पोर्टेंट सर। इम्पोर्टेंट जो होता है शतरंज में, राजा होता है, राजा बचा रहना चाहिए, चाहे वजीर मर रहा है, चाहे हाथी मर रहा है, चाहे घोड़ा मर रहा है, चाहे घोड़ा उससे मर रहा कोई है नहीं फर्क पड़ता है, राजा को जिताना है। तो जी, लक्ष्य क्या है? शादी है तो विवाह संपन्न होना चाहिए, शतरंज खेल रहे हैं तो राजा को हर हाल में बचाना है, तो लक्ष्य निर्धारित रहता है, उसी के अनुसार चाल चली जाती है। और प्लानिंग जो रहती है दिमाग में, जो चल रहा होता है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए रुकावट जो आती है, तो उस प्लानिंग को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जैसी आवश्यकता समझ में आती है। तो जब करना ही करना है उनको बीएड को वैलिड, उनको बीएड को ही सिर्फ रखना है और किसी को रखना ही नहीं है, तो हाँ ऐसा सर। कैसे हो सकता है कि वो जो है बीएड के लिए कुछ करेंगे ही नहीं? और वोट, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, वो भी बात है। और वोट बैंक की भी राजनीति इस देश में खूब होती है। तो जिस काम को विपक्ष विफल करना चाह रहा है, तो वो उस काम को तो छोड़ पक्ष तो देंगे उसको, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है सर। नहीं छोड़ेंगे। तो जो चीज होना है उसमें कहीं कोई रुकावट आ गई, तो संदेह नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा। संदेह की जगह ये होना चाहिए कि अब कौन सी रणनीति अपनाएंगे। क्रिकेट में भारत पाकिस्तान का चल रहा है, पहले पाकिस्तान ने खेला और पाकिस्तान ने 300 रन ठोक दिए, जी और सर, इंडिया खेलना शुरू किया, और इंडिया के शुरू के जो फर्स्ट और सेकंड बैट्समैन है वो जो है पहले ही ओवर में आउट हो गए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया खेलना छोड़ देगा। अब वो नहीं क्या सर। करेगा, थोड़ी सी रणनीति बदल करके जो बैट्समैन बचे हैं उनको मैदान में अच्छे से खेल करके जीतने का प्रयास प्रयास करेगा। किया जाएगा, हर संभव प्रयास लेकिन करेगा, पूरा प्रयास क्या होगा, हर हाल में जीतना है, जीतना यही है। हाँ प्रयास होगा लक्ष्य ना। तो निर्धारित वही होगा सर। दो दो क्रिकेट हमारे बैट्समैन आउट हो गए, तो वो दो बैट्समैन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है खेल को जीतना। जीतना, तो लक्ष्य तो वही है ना, खेल जीतना है। तो जी बाकी सर, जो बचे हुए हैं, अगर बैट्समैन नहीं अच्छा खेल रहे हैं, अगर लास्ट में मान लीजिए बॉलर है वो भी मैदान में उतरेगा, उसको नहीं आता है, कभी नहीं वो बैट चलाया, हाँ फिर भले सर भी 9 नंबर पे बात आ जाए, हाँ जान फिर तो भी उतनी लगानी वो पड़ेगी। जान पूरा हाँ लगा देगा कि चौका छक्का ही मारो, भले आउट हो जाएंगे, जो होगा गेंद आती उड़ा दो इसको बस, नहीं तो या अगर ज्यादा रन लेना है या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो टिक करके थोड़ा सा धीरे धीरे खेला जाए, लेकिन वो पूरी रणनीति बनाएगा हर हाल में जीतने का, भले ही एक गेंद बचे हो और 5 रन लेना हो, तो वो ये नहीं करे तो भी कहां उम्मीद से, रहेगी। तो हाँ भी वो बिल्कुल कहेगा कि चाहे जो है हमें 6 मार करके हर हाल में जो है गेम को जीतान जीतना जीतना है, है, जीतना यानी कि है। दिमाग में एक ही पॉइंट रहता है चाहे जो स्थिति परिस्थिति बन रही हो, कि जो रणनीति अपनानी पड़े हम अपनाएंगे, लेकिन जीतना तो तय है, यही हमारा लक्ष्य है। तो ऐसे ही केंद्र सरकार ने जो अपना प्लानिंग किया है, पूरे जी भारत सर, में जितने पद खाली हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सब भरने का प्लानिंग हाँ है उनको उनका। तो तेजी से भरना है, वो तो न्यूज़पेपर में 2-3 महीने पहले ही आ चुका था। हाँ तो सभी सब राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए तो गए थे। चूंकि लोग चाहते हैं कि बस हम जैसा चाह रहे हैं आसानी से सब कुछ होता रहे, तो भाई इतना एक छोटा सा खेल होता है क्रिकेट, एक छोटा सा खेल होता है शतरंज, 4 लोग बैठ के खेल रहे होते हैं ताश के पत्ते, वहां बड़ी बड़ी प्लानिंग की जाती है, पत्ते छुपाए जाते हैं, सामने वाले को गुमराह किया जाता है, क्या क्या हाँ सर, होता है। शाम दाम दंड भेद सब कुछ किया जाता है। तो सोचिए यहाँ जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो तो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है एक तरह से, इस वक्त देखा जाए तो हाँ पूरे वर्ल्ड में भाई, वो इंडिया का जो है हर चीज नंबर वन पर ले जाने का प्रयास कर रहा जो इंसान जो बाइडेन के गले में हाथ डाल के टहलता हो। है। तो जिन लोगों के भी दिमाग में कहीं पर किसी भी कारण से इफ बट आता है, तो उनका तो दिमाग वहीं काम करना बंद कर दिया। जिनके हाँ दिमाग सर, में ये आता है कि अब अगली रणनीति क्या होगी, ठीक है ये प्लानिंग फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके आगे क्या स्ट्रेटजी वो बना रहे हैं, तो वो समझ पाएगा सब कुछ जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम चर्चा करते रहते हैं। बिल्कुल सर, मतलब मैं मान सकता हूँ कि 22 तक संकट के बादल छट जाएंगे पार्लियामेंट के एंड से। ये 101% तय है कि 18 से 22 के बीच में दो तीन चीजों में से कोई एक चीज होगा। एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि वो कौन सी रणनीति लेकर के आ रहे हैं, लेकिन या तो आरटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट होने वाला है, या तो एनसीटी के जो पावर है उसमें कोई अमेंडमेंट होने वाला है, सुधार होगा, या तो फिर अच्छा सीधा सर, सीधा बिल ला करके बीएड को वैलिड करने का, इन तीन में से कोई एक चीज देखने को मिलेगा। और ये तीन मेरे ख्याल से सर सफिशियंट भी होंगे, हाँ यही तीन कोई ही, भी एक रास्ता, यही तीन ही रास्ते बचे हैं, क्योंकि चूंकि ऑर्डिनेंस सब चिल्ला रहे हैं सर धरना वाले, लेकिन ऑर्डिनेंस का कहां भी इतनी बड़ी बात है, ऑर्डिनेंस सबको नहीं जाना है अभी। अब ये बताइए ऑर्डिनेंस की जरूरत क्या जब संसद खुद बैठ रही है। हाँ सर वही तो बात है, वो तो टेम्पररी लेवल लो है, छह हाँ महीने वाला।
वो तो उसको फिर ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट में लेके आना है। हाँ ऑर्डिनेंस तो व्यवस्था बनाई गई टेम्परेरी कि भैया अभी संसद बैठने वाली नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीना जो भी समय है। हाँ सर, सत्र ना चल रहा हो, कोई बहुत जरूरी काम करना हो, तो ऑर्डिनेंस ले आए, फिर बाद में संसद ले आओ, बैठेगी, फिर पास 6 महीने करा अंदर लेंगे। पारित करा लो। बिल्कुल जब सही बात संसद है सर। खुद बैठ रही है और उसके पहले ये मुद्दा आ चुका है सामने, तो क्यों नहीं 18 से 22 के बीच में ये पॉइंट रखेंगे? अगर मान लेते हैं इसमें नहीं भी आता है, तो जो जी लोग सर, चिल्ला रहे थे ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस, तो 22 के बाद गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस भी अगर लाना पड़ेगा तो वो भी ले आएगी, होना तो है ही है। और जो लोग ऑर्डिनेंस चिल्ला रहे थे उनको क्यों साफ सुन के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 18 से, जब ऑर्डिनेंस चिल्ला रहे थे तो 18 से 22 के बीच में क्यों वो शांत हैं? एग्जैक्टली सर, 18 से 22 पे कोई बात ही नहीं करा, मतलब जो सामने मौका है, बिल्कुल पता है सत्र बैठ रहा है, स्पेशल सेशन मतलब इतने बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं, हमने देखा कई वीडियो, बात नहीं करे, सीधा राष्ट्रपति मोदी से अमेंडमेंट हाँ वो ऑर्डिनेंस लाने के करो। फेवर में ट्वीट करो, इतना डिटेल में ऑर्डिनेंस के बारे में इतना व्याख्या कर डाले, सब कर डाले, अभी वो बिल्कुल शांत हैं जब संसद खुद बैठा है, बैठने जा रहा 18 से 22। और वो क्यों बिल्कुल नहीं सर, 1% उम्मीद कर रहे हैं? एक बार भी अपने चैनल पर कही नहीं रहे कि उम्मीद आप कर सकते हो कि हो सकता है कोई बिल इस तरह का लेकर के आ जाए, यही एक जो है उम्मीद ही जता दे, पॉजिटिव बोल दे कुछ। लेकिन इन लोगों को हमने देखा है, इनका जो नेचर है वो तितली वाला नहीं है, ये फूलों पर नहीं बैठते हैं, इनका नेचर जो है, इनको अपना यूट्यूब चलाना है, कमाई चलाना है, हाँ तो वो ये डर बात का बिल्कुल खेल, सही बोली सर। तो हाँ वो हाँ हाँ वही मक्खी वाला नेचर अपनाते हैं, कोई चीज नेगेटिव और होगा तो सबसे पहले इसी वो यही चीज। बहुत बड़ी वजह है सर, करोड़ों बीएड धारियों में से चंद हजार भी एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हो छात्रों को कैसे? भरोसा नहीं है ना। तो चूंकि ये लोग इस तरह घुमा घुमा के बातें किए हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो बना करके डाले हैं कि एनसीटी का 2010 का ये है ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है, भाई इतना क्यों टिपिकल बना करके आप जो है सामान्य कनेड को समझा रहे हो? वो बेचारा इसे ही नहीं समझ पा रहा कोई चीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बंदा मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहा है, ये गवर्नमेंट कभी जो है कोर्ट से रद्द करवा रही है, कभी कुछ करी, मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट? अरे भैया तुम समझो, गवर्नमेंट सब नहीं कर रही है, कुछ काम विपक्ष भी कर रहा है, कुछ काम कोर्ट भी कर रही है, वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि हाँ कौन सर, क्या कर हाँ रहा है। अब सोचिए उसको इतना बड़ा जो है वीडियो बना करके, एनसीटी का क्या, कैसे एनसीटी जो है स्थापना हुई, इनको क्या पावर दिए गए हैं, क्या क्या कब सुधार हुई, इस पर लंबे लंबे वीडियो बना दिए, बिल्कुल सर, क्या मतलब है? सामान्य कैंडिडेट है, इनको सामान्य भाषा में समझाइए। अभी जो है हमने एक ग्रुप में डाला है, 58वां मीटिंग हुआ है एनसीटी का, जी उसमें 4 वर्षीय जो बीएड है हाँ, आपकी एक वीडियो के दौरान उसका जिक्र था, एक कैंडिडेट से आप हाँ, बात कर रहे थे, अभी उसी को हमने वो सुना मैंने। पीडीएफ डाला है और उसका अच्छा सर, स्क्रीनशॉट लेकर के हमने उसका ITEP न लिख करके हमने बीएड लिख दिया। तो कुछ लोग ओके हमें मैसेज कर रहे हैं, इसमें तो बीएड कहीं लिखा ही नहीं, आप ही खाली कह रहे हैं बीएड। अब बताइए उनको इतना अक्ल नहीं है, उसमें साफ साफ ITEP लिखा है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, 4 वर्षीय हर जगह जिक्र हो रहा है, और जाकर के एनसीटी की वेबसाइट पर देख लें ITEP है क्या, वहां पर साफ साफ लिखा है 4 वर्षीय बीएड। अब चाहे उसको ITEP कहें या 4 वर्षीय बीएड कहें, चाहे इंटीग्रेटेड बीएड कहें, सब उसी के नाम है। हुआ तो सर। हाँ हाँ क्या हाँ हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा नेटवर्क में इशू रहता है, अच्छा गांव में रहता अच्छा हूँ सर। अच्छा अच्छा जी हम कह रहे हैं जिनको ITEP नहीं समझ में आ रहा है वो जाकर के एनसीटी के साइट पर चेक करें, कहीं ITEP का सब ये शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं 4 वर्षीय बीएड का प्रयोग किया गया है, कहीं इंटीग्रेटेड बीएड लिखा हुआ है। तो जब अलग हाँ, ये अलग पर्यायवाची ही है सर। सब पर्यायवाची हैं, तो अगर कोई जी मीटिंग हुआ है उसमें ITEP लिखा है, तो अगर हम उसको बीएड कह दे रहे हैं 4 वर्षीय, तो क्या गलत है? लेकिन उस और पर लोग ये तो यहां तक बोला जा रहा है सर कि हमारी जो बीएड है अब तक जो कर चुके 2 वर्ष वाली, वो अलग बीएड है, अब 2 वर्ष वाली जो बीएड होगी वो अलग बीएड होगी, मतलब टोटल क्लोज हो गया है। वो हमने वीडियो बना करके डाला, उसमें हमने दिखाया है कि एनसीटी जो है ट्वीट करके बताई है जी कि वो 2 वर्षीय बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसको फिर से तैयार कर रहे हैं, नया डिजाइन कर रहे अच्छा हैं। जी, तो अन्य लोग भी देखे होंगे, गए होंगे वहां, तो अब वो अपनी बुद्धि वहां लगा दिए, उनको नेगेटिविटी, चूंकि बताया ना कि तितली और मक्खी, तो उनको तो मक्खी बनना है, तितली तो बनना नहीं है, उनको हाँ सर, गंदगी पर हाँ बैठना है तो गंदगी फैलाना है, तो वही काम करेंगे। जी, अब उसको जो है अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट कर रहे हैं कि भैया ये तो जो आगे होगा वो दूसरा रहेगा, पीछे वालों के लिए तो नहीं हो हाँ, रहा। मतलब वो भले ही सिलेबस में माइनर चेंजेस हों। ये वही लोग हैं जो 2021 में कह रहे थे जब मीटिंग हुई थी एनसीटी की कि टीटी और सीटेट को लाइफ टाइम करने जा रहे हैं, और मीटिंग होने के बाद मीटिंग का जो मिनट्स था वो सामने आया,
तो हम कह रहे थे कि 2011 से लाइफ टाइम होगा, और ये लोग कह रहे थे कि नहीं आगे वाला होगा, पीछे का थोड़ा ही होगा। पीछे वालों को छोड़ देंगे। और हाँ, फिर जब हुआ लाइफ टाइम, और माननीय न्यायालय के केस में उल्टा कह आवाज नहीं आ रही, रहे हैं। आवाज नहीं आई, क्या कहे हम? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ माननीय न्यायालय के केस में उल्टा बोल रहे हैं हाँ, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो है कि बीएड, 28 जून 2018 से ही हो जाएगा। हाँ, जी उस गजट को रद्द उन्होंने किया। सिंपल सा एक ही बात है उस पूरे ऑर्डर का सार, कि उस गजट को हमने रद्द किया है, और गजट हाँ, को जो रद्द, प्रक्रिया अपनाई गई इनको शामिल करने के लिए वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है पूरी नहीं हुई थी। हाँ बस एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें एमएचआरडी का भी इंटरवीन था। हाँ, तो इस जो है बात का जिक्र करके इसके माध्यम से वो कह रहे हैं, भैया चूंकि प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए हैं आप, इसलिए इस गजट को वैलिड नहीं माना जा सकता, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। बस इतनी सी बात उन्होंने कंक्लूड किया है। अब उसको जो है क्या 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 देख ही रहे हैं आप, लिख करके कितना फैला दिए लोग नेगेटिविटी। खैर, बहुत अभी ज्यादा 18 सर। से 22 के बीच में हमें पूरा पूरा एकदम उम्मीद है, भरोसा है कि जो भी होना है, गवर्नमेंट भले शांत है, गवर्नमेंट कभी भी हल्ला करके काम नहीं करती है। 2018 में जब बीएड को वैलिड किया था, जिस दिन 28 जून को जब ये वैलिड हुआ, जिस जी दिन सर, घोषणा हुआ उसके सुबह तक लोगों को कोई खबर नहीं था। हाँ वो तो ताश के खेल में तुरुप सर दबा के रखी जाती है। और लोग अब जो कह रहे हैं कि जो है गवर्नमेंट को बीएड और उसको लेना देना नहीं है, वो नहीं करेगी। अरे भैया, 2018 में इसी गवर्नमेंट ने ही किया था, इसी गवर्नमेंट को लेना देना था, तभी तो वो की थी। और वो गवर्नमेंट एग्जैक्टली का सर, क्यों नहीं लेना देना है, चाहे आप एनसीटी बोलिए, चाहे आप एमएचआरडी बोलिए, चाहे आप शिक्षा मंत्रालय बोलिए, चाहे आप केंद्र सरकार बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए, बात एक ही है, ये एक ही टीम है। अब हाँ सर बिल्कुल। लेकिन लोग चर्चा क्या कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या हाँ कर रही, बिहार, राजस्थान, राजस्थान, ये समझ ही नहीं पा रहे छत्तीसगढ़। हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दो टीमें हैं, एक टीम केंद्र सरकार, एमएचआरडी, शिक्षा मंत्रालय, एनसीटी, सीबीएसई, ये एक टीम है, और जिनकी बात जी आप कर रहे हैं वो विपक्षी टीम है। तो विपक्षी टीम क्या कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्षी हाँ टीम का सर, काम ही ये खेल को कागज जिसके बिगाड़ना। हाथ में है फिलहाल तो उसको देखना है। हाँ, तो केंद्र सरकार के हाथ में पावर है, और चाहे वो एमएचआरडी, शिक्षा मंत्रालय की बात कर लें, या एनसीटी की बात कर लें, या सीबीएसई, ये सब किसका चेहरा दिखेंगे, किसका इंतजार करेंगे, भैया केंद्र सरकार हमें क्या कह रही करने को। ऑब्वियसली सर, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग तैयार करके इनको बताती है, भैया ये चीज आपको करना है, तब ये लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर 18 से 22, आज हो गया 15, जी दो सर, तीन दिन बस और जो है ये सारी गर्मा गर्मी रहेगी। 18 में या 19 में या 20 में या जिस भी दिन इस तरह का जो भी अमेंडमेंट होना है या बिल पेश होना है, जो भी होना है, वो 100% होना है इसी में, क्योंकि अब जब सामने संसद बैठ रहा है तो क्यों अध्यादेश का वो इंतजार करेंगे कि हम बाद में बिल्कुल सर, अध्यादेश वहां तक लाएंगे। तो मैंने हाँ ऑलरेडी यही सोचा है कि वहां तक तो जाना ही नहीं है। अगर सिंपल मौका है सामने, बिल लेके आए सीधा सा, ये तो ध्वनि मत से ही पारित हो जाएगा सर। और हाँ इसका कोई विरोध नहीं कर पाया। पहली बात तो बीजेपी ने खुद ही बुला लिया, भैया सारे लोग आ जाओ, अभी हमने ग्रुप में डाला है स्क्रीनशॉट वगैरह, टीवी चैनल पर भी आया कि हाँ सबको व्हिप कहा जारी कर जाए, दिया सर, हाँ व्हिप व्हिप जारी जारी कर किया। दिया कि भैया हाँ सारे सदस्यों को आना अनिवार्य है। जी तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लेकर के आ रहे हैं जिसमें बुलाए हैं सबको, ताकि अधिक से अधिक जो है, और उसमें साफ लिखे हैं कि आपको सरकार के पक्ष में जो है वोट डालना है, साफ साफ व्हिप में उन्होंने कहा है क्यों आना है, वो तो ऑलरेडी समर्थन करना सर है। सिद्धांत भी है हमारा, हाँ, सिद्धांत भी है, और साथ साथ जो डूबते हैं साथ साथ तैरते हैं। हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तो ऑलरेडी इनके पास मेजोरिटी है, ये तो करा ले जाएंगे जो भी लेकर के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बल्कि दूसरे जो विपक्षी हैं, दूसरे राज्यों के जो हैं राजनीतिक पार्टियां, जी उनमें सर, भी हम मानकर चल रहे हैं कि उनमें से करीब करीब 80% बीएड के सपोर्ट में करेंगी वोट, क्योंकि क्योंकि वो वो नहीं वोट बैंक चाहेंगे। उनको भी दिखेगा ना सर। हाँ, वोट बैंक हाँ भाई, उनको अगर डीएलएड, डायरेक्टली अपोज कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा। हाँ, देखिए बीएड के पक्ष में नहीं करेंगे तो बीएड उनके अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर बीएड के पक्ष में वोट कर रहे हैं तो भैया वो डीएलएड को नकार तो नहीं रहे हैं, हाँ वो एग्जैक्टली सर, बिल्कुल नकार तो नहीं रहे सिद्धांतिक भी, हैं। सिद्धांत भी यही कहता है कि किसी को मौका देना किसी को वंचित करने से तो हाँ बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर अगेंस्ट में जाते हैं तो वो बीएड के विरोध में हो जा रहे हैं, और अगर बीएड के फेवर में आ रहे हैं तो सबके फेवर में है वो, तो जब सबके बिल्कुल फेवर सर, में है तो किसी के हाँ अगेंस्ट नहीं हुए, भले चाहे जो सोचने को सोच ले, लेकिन सोच किसी का ले। विरोध। हाँ तो कुल एग्जैक्टली मिला सर, करके 100% वो चाहे आरटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करने वाले हों, या एनसीटी के पावर में कुछ परिवर्तन करने वाले हों,
या डायरेक्टली बिल ला करके बीएड बिल लाने किए, वाले हो। हाँ, इन तीनों में से जो भी करने जा रहे हैं ये 18 से 22 के बीच में वो कर लेंगे हर और हाल में। अगर इन तीनों कामों में से सर पार्लियामेंट्री अप्रूवल को तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना भी बहुत बड़ी बात होगी, हाँ उसको तो नहीं कर पाएंगे चैलेंज, वो करेंगे भी तो वो नल या वॉइड ही होगा। आज तक कहाँ कोई भी चीज जो है संसद से पारित हुआ हो सुप्रीम कोर्ट में, कोई ऐसा आप बताइए कोई केस आपको याद हो कि सुप्रीम नहीं सर, कोर्ट ने, पॉलिटी के विद्यार्थी हम भी, नहीं होता ऐसा, नहीं होता। हाँ, तो ऐसा तो हमें कहीं नहीं दिख रहा कि होने के कोई क्योंकि चांसेस। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो सर 150 करोड़ हम लोगों से शक्ति प्राप्त होती है, उसको वो भी हाँ, संविधान से शक्ति लेती है। जी। और सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज या तो सिंगल बेंच होगा, डबल बेंच होगा, 5 जजों का होगा, 7 का होगा, वहां 5 7 हो या जितने भी हो, वो तो उनकी अपनी सोच है ना कुछ लोगों की, वो हाँ पूरे बिल्कुल देश को सर, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं करते हैं सर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो करती है। हाँ, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोग कभी कभी पता नहीं पढ़े नहीं हैं संविधान वगैरह। ठीक, हम ज्ञान का भाव बहुत है सर। पॉलिटी हमारा हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, पॉलिटी में मेरा 1% इंटरेस्ट है। हम 2 सब्जेक्ट से भागते रहे हैं अपने स्कूल टाइम में, हिस्ट्री से और पॉलिटी से। हमको जी सर, तारीखों से, नंबरों से, नाम से इतने ज्यादा, इसमें हिस्ट्री में भी पढ़ना होता है और यहाँ भी इतना हाँ याद सर, करना, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हाँ, भागते रहे हैं। लेकिन किस्मत ऐसे जगह ले आई है कि अब इन्हीं चीजों से जो है इन्हीं जुड़ना हो से रहा काम इन्हीं से चलता है। हाँ, है। वो दिन रात इन्हीं में गुजारा ना होता इन्हीं है। पर आजकल हम चर्चा करते रहते हैं, जो चीजें नहीं भी हमें पता है तो खोज खोज करके पढ़ते रहते हैं कि ये क्या है वो क्या है। तो हम ये जी कभी सर, कभी सोचते हैं कि भाई हम तो इन चीजों में इंटरेस्ट कभी नहीं लिए इस सब्जेक्ट में, फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और हर चीज समझ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है, तो जो लोग इसको पढ़े हैं उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जी पता नहीं सर, क्या दिक्कत है उन लोगों के साथ। खैर, जो भी है, जो समझ रहे हैं वो तो पॉजिटिव है, बहुत कम संख्या है खैर अभी, हाँ और सर, हो जाएगी संख्या। चूंकि होता क्या है ना, लोग ये देखते हैं कि भीड़ किस तरफ है, कौन जो है ज्यादा बातें कर वही रहा है सर, किस भेड़ के तरफ। पीछे भेड़, वो सिद्धांत है, मतलब चलता जाता है चलता जाता है, भेड़ा चाल जो बोलते हैं ना हमारे इधर लोकल में, वही है। चलिए, तो ये सब तो अभी बस 2 4 दिन का है, 2 4 दिन में सब चेंज हो जाएगा। और बताइए, आपने बहुत सारे चीजों पर जो है, हाँ सर, बीपीएससी सर बिहार, हमने भी दिया है एग्जाम, अच्छा, और स्कोर इतना है सर कि लग रहा है कि शुरू के 1,000 में ही ना नंबर आ जाए अगर मौका मिला तो। चलिए, एक बात जो है, कहीं पत्थर पर लिखना हो या कॉपी पर लिख लीजिएगा, जी सर, हम आपसे कह रहे हैं, हमें आपके बारे में अभी हमने डिटेल में नहीं पूछा और जी ना सर, हमें उतनी जानकारी है कि आपने कब कौन सी ईयर में क्या किया, लेकिन हम इतना दावा कर रहे हैं कि आप जो है यूपी गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे। सर एक मौके की तलाश है बस, आप बिलीव नहीं आप, करोगे सर, मैं बीटेक प्लस बीएड हूँ, अच्छा, आपने बीटेक किया और है, जी सर, और 19 से 21 मेरा बीएड कंप्लीट हुआ, 19 से 21 में बीएड है, उसके बाद फिर आपने टेट निकाला होगा। टेट में सर मेरा 132 था फर्स्ट अटेम्प्ट, अरे वाह, बहुत अच्छे नंबर हैं। 128 पेपर टू, यूपी अच्छा, की बात कर रहा हूँ, सी टेट 126 पेपर वन, अच्छा, सी टेट पेपर टू 118। तो ये मार्क्स जो है ये काफी हैं बताने के लिए कि आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो क्या है, और आपने बताया कि 1,000 के अंदर आप बीपीएससी में रहने की उम्मीद रख 87 रहे हैं। स्कोर है सर अच्छा, हाँ, तो बिहार वहाँ में। वहाँ पर जो है सिर्फ भीड़ ही देखने को है। अभी जितने लोग हवा हवाई बातें कर रहे थे आंसर के आने के पहले, देखिए वो सब जो है गायब हो गए हैं, नहीं तो एक से एक जो है बड़े बड़े 30 मार्का बन रहे थे, मेरा बिल्कुल इतना हो रहा प्रेशर, हाँ इतना हो हाँ रहा, हाँ हाँ अभी सब गायब हो गए हैं। और खाली 11 अगस्त का, हम अदर स्टेट वालों को तो 1.5 महीना मिला था सर तैयारी का, हाँ, तो मैंने 20 ही दिन पढ़ाई कर पाया था, 11 अगस्त में डिसीजन आ गया। तो पढ़ाई एंड टाइम पर कहाँ उतनी होती है, एंड टाइम पर सिर्फ वो आपने मेरा सिर्फ, मैं चार रिवीजन साल किया, हाँ एग्जैक्टली, वो मेरा प्री बैकअप जो था वही काम आया। मैं आपसे यही खाली होता इतना है। कह दे रहा हूँ कि ये डिसीजन आने के बाद मैंने किताबों की अलमारी बंद कर दी थी और रिजर्वेशन करा के मैं सो गया था बस, कि बस अच्छा, खाली जाऊंगा और पेपर दे के चलाऊंगा। देखिए, एक्चुअल पढ़ाई ऐसी ही होती है, आपने पहले से पढ़ाई कर रखा है, तैयारी कर रखा है, तो हाँ एग्जाम सर, जब आता है, महीना 2 महीना समय मिलता है, उसमें लोग फॉर्म भर के थोड़ा बहुत रिवाइज जो करते हैं बस वो वो। केवल रिवीजन ही होता है सर, कि हाँ, समानता का आर्टिकल पढ़ लो, कुछ अमेंडमेंट पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, पर्यावरण, मतलब वो पुराना जो बेस बना होता है इंसान का एग्जाम में वही काम आता वही है। काम आता है। और जो जी लोग फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करते हैं, सर, तो वो लोग आप देखे होंगे कि 69,000 भर्ती में 4.5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट हुए 60-65 हजार, बाकी लोग कहाँ गए, बाहर। तो ये वो बाहर लोग गए। हैं जो बाहर हैं, जो फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई करते हैं।
एग्जैक्टली सर, हाँ संघर्ष तो सर एग्जाम से काफी दिन पहले, हाँ जीत की तैयारी तो जीत के समय से बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो सर आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं बीटेक प्लस बीएड हूँ, तो जिस दिन ये डिसीजन आया उस दिन मेरी मानसिक हालत क्या हो सकती थी। अरे भाई आप बीटेक किए हुए हैं, आप जो है मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग रखने वाले हैं। हम मान के चलते हैं कि टेक्निकल कोर्सेज जो इस तरह का कर रहे हैं, प्रोफेशनल जी सर, कोर्सेज, हम ये प्रोफेशनल में बीएड भी आता है, डीएलएड वगैरह भी, लेकिन इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जी ये सर, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, नाइन्टी वो नाइन फिर पॉइंट धीरे धीरे नाइन इधर लोग आते हैं। इधर आते जी सर, हैं। जी सर, और जो लोग इंटर के बाद बीटेक करने चले गए, बीफॉर्म करने चले गए, कोई चला गया जो है उधर कोई और प्रोफेशनल कोर्स करने, हाँ एमबीए वगैरह बीएससी जो भी एमएससी कर रहे हुआ हैं सर, आगे, हाँ हाँ, जी। वो लोग एक्टिव पर्सन है, जागरूक लोग हैं, उनको अपने करियर की चिंता है। बिल्कुल और सर, जो कुछ नहीं करता है तो चुपचाप बीए वगैरह डाल देता है, फिर बाद में यही बीएड वेड ऐसा कुछ कर लेता है, अगर कहीं से उसको लगा कि ये कर लेना चाहिए। जी तो सर, 99.99% लोग यहाँ पर जो हैं वो सिर्फ ये सोच करके बीएड बीटीसी डीएलएड किए हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, 40-50-60 हज़ार रुपए पैसा देख करके वो आ गए हैं बस, कि अरे आराम हाँ की सर, नौकरी। वो अब भी नहीं टीचर बनने के लिए उस तरह का जो है अपना माइंड सेट कर पा रहे हैं। और ना उतनी मेहनत कर पा रहे हो सर। बिहार में हाँ देख तो रहे हो आपके सर, 35-40 नंबर वाला भी रिप्लाई कर रहा है कि डॉक्यूमेंट तैयार कर लूं, उस पे कमेंट आ रहे हैं डीएलएड वाले की, भाई 100% होना है तुम्हारा तो मिठाई बांट दो। और बिलीव नहीं करोगे सर, मैंने उस दिन से अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को हाथ भी नहीं लगाया है, एमआर मार्च करने के बाद भी। हाँ हम भी जो है बीएड वाले हैं, हम भी कंपटीशन वगैरह ये सब दे रहे हैं, लेकिन जी सर, हम उस चीज को साफ साफ एक्सेप्ट करते हैं कि भैया हम 2011 का टेट पास किए हैं, हमारा हाई स्कूल में सन 2001 का है, इंटर 2003 का है, 69,000 जी सर, भर्ती में हम जनरल कैंडिडेट हैं, हम दूर दूर तक जी नहीं सर, फाइट कर पाएंगे। हम एक्सेप्ट करते हैं भाई हम एक तो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं है, जी कितना सर, भी हम जोर लगा लेंगे आज के लोगों से हम उतना फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम और भी जगह बिजी हैं, दिमाग हमारा बिजी है, बिल्कुल उतना बिल्कुल सर, पढ़ाई हाँ घर परिवार में भी हो गए होंगे, फिर कुछ काम भी करना पड़ता, बिल्कुल और एकेडमिक्स हमारे अच्छे नहीं है। भाई जो चीज रियलिटी है, चाहे वो वो पॉजिटिव हो या स्वीकार करनी चाहिए नेगेटिव, सर, वो बिल्कुल स्वीकार करने बिल्कुल में बिल्कुल क्या दिक्कत है, तो हम स्वीकार नहीं करते सर, हैं। हाँ और जिन लोगों ने हमसे कहा था, हमारे साथ वाले, कि हम तो दावा करते हैं कि एक सीट ले लेंगे, वो बंदा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम एक बंदे खास तौर पर जिक्र करते हैं, जी वो सर, एससी कैटेगरी के हैं, शायद एससी या जी एसटी सर, से हैं, जी सर, वो हमसे दावा किए थे, चूंकि वो रेलवे की नौकरी कर चुके, वो रेलवे में थे पहले, छोड़ करके फिर इधर भर्ती में 2011 जी सर, में उलझ गए, फिर नहीं हुआ, तो 69,000 में उन्होंने दावा ठोका कि हम तो ले लेंगे। वो कोचिंग भी पढ़ाते थे, कंपटीशन वगैरह की रेलवे की तैयारी कराते थे, तो ओके तैयारी सर, वारी कराते थे, दावा भी कर रहे थे, और ऊपर से एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे। तो हमने कहा भाई आप हाँ सर, प्रयास कीजिए, हाँ, आपके चांसेज हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं काफी टाइम से, आप पहले भी तैयारी किए हैं, प्लस आपको कैटेगरी का भी लाभ मिल सकता है, कीजिए। लेकिन आज वो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं 69,000 में। जब वो एग्जाम बिल्कुल देकर के आया तो उन्होंने तब भी फोन करके कहा कि मेरी एक सीट पक्की, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब भी वो कहे मेरी सीट एक पक्की, पक्की लेकिन जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ा वो जी, उस लिस्ट से बाहर थे, उस लिस्ट में नहीं थे। बाहर थे। उसके कई फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं, हमने उनको सारे फैक्टर गिनाए थे, अब जी सर, उनको सारे फैक्टर नहीं समझ में आया। तो इंसान को हर तरफ से सोचना चाहिए कि क्या हाँ क्या सर, जो है पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या नहीं है। अभी कल या परसों हमने एक ऑडियो डाला है, एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, हमने उनको काउंट कराया कि कितने लोग हैं 11 से 18 वाले, हमने तीन हाँ तरह से सर, मैं काउंट, अभी आज कल दोपहर में ही सुना, मैंने पूरा प्रोसेस सुना हमने मैंने वो। तीन हाँ तरह से वो काउंट कराया, क्रॉस चेक हाँ कर घूम लीजिए फिर के आप। वो 3 लाख सवा 3 लाख पे रुक जा रहा है सब हम कुछ। कहते आप चाहे जिधर से गिनती शुरू कीजिए, हम हर तरफ से गिना देंगे आपको, तीन के ही आसपास आएंगे, आप चाहे हाँ थोड़ा और ऊपर जाइए कहने चाहे के लिए वो नीचे। नंबर 22 लाख पर है। हाँ, तो हमने तीन तरह से उस चीज को गिनती कराया। तो जो व्यक्ति हर तरफ से, मतलब हर नजरिए से देखेगा किसी चीज को, वो सच्चाई के, हर चीज वास्तविकता के करीब काफी पहुंचेगा। अब कोई एक ही दिशा में बस सोच रहा है तो वो जी सर, सही भी हाँ हो वो तो सकता है, संकीर्ण मानसिकता हो गई ना सर, हाँ, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, हाँ वो तो बाइनरी हो गया फिर, हेड या और टेल आएगा। और कहीं कहीं लोग जो हमारे ऊपर भी वो कमेंट करते रहते हैं कि आपका ये नहीं हुआ, वो जो नहीं हुआ उसको पकड़ते हैं, हम कहते हैं जो हो रहा है भाई, जो हो चुका है उसको क्यों नहीं देख रहे हो। हम नहीं कह रहे हैं बिल्कुल 100% मेरी बातें सही ही होंगी, हम तो चर्चा कर रहे हैं, अगर हमने 10 बात बोली है उसमें से चार हाँ, बात भी सही हो जो रही तथ्य है। सामने हैं उनके ऊपर चर्चा की जा रही है, सही बात है सर, कोई जो, हम ब्रह्मा थोड़े हैं, हम कोई जो है भविष्यवक्ता थोड़े ही हैं कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो वही होना ही है एकदम, हम लोग चर्चा कर बिल्कुल रहे हैं। सर, बिल्कुल सर, चलिए कुल मिलाकर के बिहार, अभी आप जो है बताए हैं 2021 वाले हैं, तो जी आपका तो सर, कोई मैटर पुराना है नहीं यूपी के अंदर,
नहीं सर, मेरा कोई नहीं है। मैं तो ये मान लीजिए सर, 2017 के लास्ट तक मैं ठीक ठाक प्राइवेट जॉब में था, अच्छा। बीटेक के बेस पे ही। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हुआ करता था, लेकिन वही बात है कि प्राइवेट जॉब का शोषण जो था वो बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए, प्राइवेट में एक बार जो जो है सरवाइव कर गया थोड़ा सा शुरू एग्जैक्टली में, सर। हाँ, वो फिर निकल जाता है सर। सही फिर वो निकल जाएगा आगे। और जितना पैसा आप वहां पाएंगे, जितना जी आपका सर। ग्रोथ वहां होगा, हाँ, यहाँ नहीं है। आप नहीं किसी होगा, भी डेफिनेटली नहीं होगा सर। लेकिन वो टीचर जो आपने को फेज का जिक्र किया ना, वो हम नहीं झेल पाए सर। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, आप तो इसीलिए फिर इधर आ गए। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखिएगा, उसकी पूरी लाइफ को, शुरू में वो कैसा था, कोई भी हो, कहीं से आया हो, जी किसी जी बैकग्राउंड से आया हो, और उसका ज्वाइनिंग गवर्नमेंट जॉब में आने से लेकर के रिटायरमेंट तक का लाइफ दिखेगा, उसका जो ग्रोथ है ना, वो माइनस में दिखेगा कि वो ग्रोथ नहीं हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हुआ ही नहीं कहीं। बिल्कुल सर। या फिर वही है कि एक पैरेलल लाइन चलती रहेगी मैक्सिमम। पैरेलल नहीं, हाँ हम तो उसको कहेंगे डिक्रीज ही, हाँ समय के धीरे-धीरे। हिसाब से डिक्रीमेंट भी कहा जा सकता हाँ, है जी। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि हमारे टच में थे पहले, हमारे जूनियर हैं, और उनका जो माइंड था बहुत शार्प था, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, सब कुछ था, हमसे जी जूनियर थे, और उन्होंने 69,000 में यानी किसी भर्ती में सिलेक्शन ले लिया। और तब से, जब से सिलेक्शन हुआ, उसके बाद से मेरी लगातार उन लोगों से बातचीत होती है, संपर्क में है, हम देखते हैं उन जी लोगों की सर मेंटेलिटी कैसी होती जा रही है। पहले वो कैसे थे उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम देख रहे हैं बिल्कुल। कि वो कैसे होते हाँ जा हाँ रहे हाँ हैं। वो उनका जी सर, दिमाग जो है अब कहीं ग्रोथ की तरफ रही नहीं गया नहीं रह जाता है सर। एग्जैक्टली सर। हाँ, वही है। 5 घंटा कुर्सी पे बैठना हंड्रेड जी। परसेंट जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनसे बात होती है, उन लोगों में बात कर रहे हैं, 100% लोग हमसे आज तक, जब से ज्वाइन किए तब से आज तक एक बार भी चर्चा नहीं की कि हमारा प्राइमरी में हो गया, हम जूनियर की तैयारी में लगे हैं। कोई ये नहीं कहा कि हमारा जो है प्राइमरी में हो गया, हम टीजीटी की एग्जैक्टली तैयारी में सर। लगे वो हैं। हाँ, वो सोच वहीं के वहीं रुक जाती है। अब वो जब भी बात करते हैं, बीसी साहब ये स्कूल में ऐसा, शिक्षा मित्र वैसा, रसोइयाँ ऐसे, या हाँ सर, पुरानी मिड डे पेंशन, मील और रसोईया, बस यहीं तक सीमित रह जाता है तो इंसान। हम सुनते हैं लोगों की बात, बड़े ध्यान से सुनते हैं, आधे घंटे एक घंटे लोग सुनाते रहते हैं अपनी समस्याएं, रोना रोते रहते हैं। हम इंतजार करते हैं कि ये एक बार तो अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात कर लें, लेकिन एक सेंटेंस नहीं सुनने को मिलता, और एक हाँ, बार वो नहीं। टैलेंट होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अब इसके आगे बढ़ेंगे, एक स्टेज पा लिए हैं, तो ये जी सर। जैसे रहे हैं, हम उम्मीद उनसे कर रहे हैं कि ये अब इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे क्या बढ़ेंगे। 69,000 में वो सिलेक्ट हुए, ज्वाइन किए, और तब से अब तक इतने साल हो गए, अब तक वो सिर्फ परेशान है, ट्रांसफर कैसे मिल जाए, ओल्ड पेंशन कैसे हो जाए, ये वो, हाँ लेकिन सर, वही 3-4 चीजें हैं बस, वही हाँ, उन्हीं पे सब उलझे हुए हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं एक बार भी कहता है कि हमने ये फॉर्म भरा है, हम ये एग्जाम दे रहे हैं, हाँ सर, या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की आपकी कोई बात बात एक नहीं। मिनट के लिए रुकेगी सर। ऐसा ही एक बहुत बड़ा उदाहरण मेरा छोटा भाई भी है। अच्छा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, उसके बाद एनआईटी राउरकेला से एमएससी टॉपर था। अब इतने अच्छे अच्छे जगह से पढ़ाई करके अभी क्या कर रहे हैं वो? हाँ सुनिए, बता रहा हूँ मैं। उसके बाद उसका पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जो है, उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया आईआईटी वालों को पढ़ाने के लिए। 15 लाख का पैकेज था। अच्छा, 15 लाख गांव, पर एनम। जहां जहां गांव से मैं बात कर रहा हूँ, जहां इंटरनेट की आज तक भी दिक्कत है, यहीं उसका ऑफिस हमने अरेंज किया था। घर से ही पढ़ाना होता था ऑनलाइन केवल। अच्छा, फिर जीआईसी लेक्चरर आ गया यूपी में, सेलेक्ट हो गए उसमें, अरे वाह। पीडब्ल्यू छोड़ दी। वर्तमान समय में प्रवक्ता हैं राजकीय इंटर कॉलेज में, मथुरा में। चलिए, बढ़िया है, अच्छी हाँ जगह पर हैं। लेकिन हाँ, अच्छी जगह पर है, लेकिन मानसिकता वो होनी शुरू हो गई है जिसका भी आपने जिक्र किया। तो कभी जो है उनको बैठा के थोड़ा समझाइए कि आप एक स्टेज प्राप्त कर लियो, गवर्नमेंट जॉब में हो गए हो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा और पुश करो, आप इससे और बेहतर जगह जा सकते हो। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमें लगता है कि कोशिश वो भी, अगर लेकिन सर वो जो ग्रुप बन जाता है ना सरकारी मास्टर, वो जो अपना पेट फुला के कुर्सी पे बैठा है, वो फिर स्किल सेट वो जनरेट होने लगता है इंसान के अंदर भी। अभी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो जब पीडब्ल्यू में पढ़ाया करता था, प्रोफेसर था, तो 5-7 घंटे तब भी वो पढ़ता था। वहां उनका ग्रोथ था, उसी वजह से हाँ, वो वहां सिलेक्ट भी बेहिसाब हो ग्रोथ गए था सर। यहाँ। एग्जैक्टली सर। हाँ, और जब से वहां गया है तब से तो सारी किताबें यही अलमारी में हमारे पास ही हैं, ताले में बंद। तो हमें लगता है अगर थोड़ा सा वो फोकस करें,
जी वो रिसर्च में जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं हम। एग्जैक्टली सर, हाँ वो टैलेंट उसी लेवल का था, बिल्कुल सही। हाँ आपने जैसा बताया ना, उससे ही क्लियर हो रहा है कि इस तरह के बंदे ही आगे निकलते हैं और रिसर्च जाकर के अच्छे अच्छे रिसर्च करते हैं। ऐसे ही लोग जो है हाँ आज हमारे यहाँ जो है इसरो हाँ सर, वगैरह में है। DRDO हुआ, इसरो हुआ, ये आगे सब, हाँ इसी लेवल का टैलेंट। हाँ, और एटलीस्ट हम तो सलाह देते हैं कि सर भाई PhD कम से कम करो, कम से कम इंटर कॉलेज से निकल के डिग्री कॉलेज तक तो पहुंचो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही आराम तलबी फिर आ गई है, ठीक तो ठाक उनका सैलरी है, 5,000 का ग्रेड पे है। हाँ बस यही है ना कि अच्छा जब पैसा आने लगता है धीरे धीरे जो है थोड़ा सा फिर ग्रुप ऐसा बन जाता है। वही मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली सर, बन जाता है। जब हाँ ग्रुप ही वैसा बन गया, अभी वो उस ग्रुप को छोड़ करके फेसबुक पर यहाँ वहाँ सर्च करके जो जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो उस तरह का ग्रुप ज्वाइन करके उनके बीच में रहना, यानी कि और चाहे अभी वो बहुत यंग एज है सर, मैंने उसको गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले भी बोला था कि भाई बहुत ठंडे दिमाग से सोच लो, PW में भी अगर तुम हो तो कोई बहुत हल्की जगह नहीं है, हाँ और 25 साल की एज में उसने ज्वाइन कर लिया है यूपी गवर्नमेंट। उनको सिर्फ अपना ग्रुप चेंज करने की जरूरत है, वो स्कूल में काम करें, उसके बाद जो टाइम उनका बचता है वो आ करके फेसबुक पर यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें। जब उनको देखेंगे पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे उनके भी माइंड में वो चीजें चलती रहेंगी और उसी हाँ तरफ सर। सोचते रहेंगे। फेसबुक जो है बहुत सारे लोग जो है इसको खराब मानते हैं, अरे वहां पता नहीं नहीं सर, क्या वो तो फालतू है। यूटिलाइज के ऊपर है बात, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हाँ जैसे हम आप अपना चैनल चला रहे हैं तो हम फेसबुक जी दिन भर चलाते हैं, जी जब खाली होते हैं तब चलाते हैं। मेरा एक ही मोटो होता है फेसबुक चलाने का, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, बाकी जी कौन ग्रुप में कहाँ क्या पोस्ट कर रहा है, कौन सा कोई हो सकता है न्यूज हमसे छूट गया हो पेपर कटिंग वगैरह, या कहीं कोई एग्जैक्टली आया सर। हो हाँ हाँ कोई नोटिफिकेशन वगैरह किसी ने डाला हो, कौन क्या विचार रख रहा है, कमेंट क्या कौन कर रहा है, किस तरह के पोस्ट कौन कर रहा है, शिक्षा मित्र ग्रुप में क्या चल रहा है, BTC DLED ग्रुप में क्या चल रहा है, क्योंकि उसी फील्ड के हैं जी तो हर किसी को समझने जब समझे रहेंगे हम जानते रहेंगे तभी तो हमारा तो YouTube वही काम है, ये चर्चा करते हैं तो जब सब जानेंगे तभी तो बिल्कुल, चर्चा करेंगे। तभी चर्चा कर पाएंगे और तो ज्ञान की वृद्धि भी ऐसे होती है। और बहुत तरह के ग्रुप बने हुए हैं, तो और भी जो हमारा इंटरेस्ट है जिनमें वो ग्रुप ज्वाइन किए हैं। तो फेसबुक पर इतना मतलब ब्रॉड मतलब इतना बड़ा कम्युनिटी हो चुका है, इतने अच्छे अच्छे ग्रुप बने हुए हैं, आपको जैसा ग्रुप पसंद हो उस तरह के ग्रुप में आप जो है ज्वाइन हो जाइए, फिर आपको आपसे बेहतर बेहतर लोग बहुत सारे वहां मिलेंगे, उनसे बहुत कुछ बिल्कुल सीखने सर। को हाँ, और मिलेगा। वहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, आप जो देखते हो वही वो दिखाता हाँ है। वही दिखाता है। हाँ अभी आप जो है अपने गूगल में या फेसबुक में कुछ गंदी चीजें ओपन करके दो एक दो देख लीजिए, फिर देखिए वो वैसी ही एग्जैक्टली चीजें वही ग्रुप में लिंक आने चलेंगी। लगते हैं, रिफ्लेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी अभी आप जो है फेसबुक खोल करके BEd BTC DLED वाली चीजें देख लीजिए, अब उसी से जी संबंधित सारी चीजें आने लगेंगी। उसी से संबंधित। हाँ सर, तो AI वो उनका काम करता हाँ है। उनका AI इसी तरह से डेवलप किया गया है कि जो जैसा जो चीज देख रहा है उसको वो चीज दिखाओ उसके इंटरेस्ट का। दिखाओ। हाँ। तो भाई साहब को कहिए थोड़ा सा कि अब जो एक गोल अचीव कर लिए हैं और आगे का जी सर। प्लान हाँ करें, और आप भी हाँ जो है बिहार वाला ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका हो ही जाएगा। और मतलब हमें सर बिहार में होगा BEd कंसिडर जरूर। 101% बाहर क्यों होगा, हाँ बिहार सरकार का जल्दबाजी करती है, क्योंकि हाँ जल्दबाजी कर रही है अगर तो। अच्छा, अगर जल्दबाजी करके वो आगे बढ़ती है तो बिहार सरकार जो है BEd को बाहर करके आगे जब बढ़ेगी और फिर जैसे ही केंद्र सरकार इधर कुछ करेगी तो फिर उनका मैटर वहीं रुक जाएगा वो जहां भी जो चल फंसेंगे रहा होगा दूसरे फंस वाले में। जाएगा, जी तो फिर हाँ फाइनली उनको फिर से सारी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो जी थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि BEd बाहर हो, और अगर बिहार सरकार BEd को बाहर करती है तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी छत्तीसगढ़ का है, तो हाँ उस सर। व्याप ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है BEd वाले सुप्रीम कोर्ट न जाएं। अब उसमें तर्क दिया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सब काम पूरे हो चुके थे, बिहार में एग्जाम नहीं हुआ था, केवल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फॉर्म भराए गए थे, डिसीजन के बाद जबरदस्ती एग्जाम हमसे दिलवाया गया, तो रिजल्ट देखिए कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर लोग समझने में थोड़ा जो है फर्क करते हैं, जी कोई सर। चीज शुरू होने के पहले और शुरू होने के बाद उसमें फिर स्टेज नहीं देखा जाता है, जब शुरू हो चुका उसके बाद किस स्टेज पर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू हाँ हो सर, चुका है नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ तो खेल तो शुरू हो चुका। तो विज्ञापन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 11 अगस्त को, हाँ सर। बिहार भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका था, आवेदन हो चुके थे, सारी चीजें हो चुकी थी,
तो जो छत्तीसगढ़ का मामला है 100% सेम टू सेम बिहार का मैटर है, कोई अंतर नहीं है। और जैसे अच्छा छत्तीसगढ़ में लोग गए तो उनके फेवर में आया ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे ही अगर बिहार सरकार जो आगे बढ़ती है और मान लेते हैं कि तब तक अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है तो कोई ना कोई जाएगा सुप्रीम कोर्ट, जी, और फिर वही छत्तीसगढ़ वाला जैसे वैसा हाँ ही उसी को जजमेंट, आधार बना करके उसी डिसीजन को। हाँ को जो भी जाएगा बिहार के मैटर में सुप्रीम कोर्ट, तो तुरंत वो सुप्रीम कोर्ट का वो वाला जजमेंट लगाएगा छत्तीसगढ़ लेकर ही वाला। जाएगा बिल्कुल सर। हाँ वहां सर ऐसा हुआ है, देखिए ये ऑर्डर है अभी इस तारीख का ऑर्डर है ये। मेरी नॉलेज के हिसाब से सर एक दो स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में एक्टिव हैं फिलहाल भी। बिहार की टीम ऑलरेडी 5 से 7 दिन पहले दिल्ली कुछ कर चुकी थी बिहार बीएड वाली, लेकिन कोई रेस्पॉन्स दिखाई नहीं दिया। एक दो बार वो लॉयर से भी मिले, वीडियो भी उन्होंने डाला, लेकिन कोई देखिए याचिका नहीं दायर की कर पाए अब हाँ, तक। हम हमेशा एक चीज करते हैं, कैंडिडेट चाहे कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, कोई कोर्ट जा रहा हो ना जा रहा हो, कोर्ट जी कचहरी कोई कर रहा हो, धरना वरना कर रहा हो ना कर रहा हो, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है कि जो सर्वे सर्वा है केंद्र सरकार, हाँ वो सर, क्या वो तो रणनीति, महामहिम है फिलहाल, हाँ बिल्कुल वो क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, उसके अनुसार थोड़ा आगे पीछे जो चीजें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन जी। फाइनल तो वो ही करेंगे। खेल शुरू उन्होंने किया है और खेल खत्म भी वो ही खत्म भी वही करेंगे, करेंगे। एग्जैक्टली सर। क्योंकि सब कुछ अभी उन्हीं के हाथ में, अभी वो सत्ता से बाहर हुए नहीं है। नहीं हुए। अभी हाँ चूंकि लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है कि चुनाव सामने है, समय नहीं बचा है, अब तो इनके हाथ से सब जा रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है, लेकिन लोग एक तरफ ये भी चर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ चर्चा कर रहे हैं ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने जा रहा है। या तो आप उसकी चर्चा कर लीजिए कि इनके हाथ से जा रहा है, या तो वन नेशन वन जा रहा इलेक्शन है। की चर्चा हाँ कर रहे हैं, तो फिर आप जो अभी एक साल भूल जाइए कि इनके हाथ से जा रहा है, क्योंकि जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा तो अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, भैया आपको ये काम कराना है। जी अब किसी बंदे को कहा गया भैया एक लोग का खाना बनाओ 1 घंटे के अंदर तैयार कर दो, अब फिर जो आधे घंटे बाद आया कहा भैया एक नहीं 15 लोग आ रहे हैं खाना बना दो, क्या आधे घंटे में वो बना देगा क्या? नहीं पॉसिबल सर, ही नहीं मुमकिन है। नहीं। तो हाँ जो चुनाव आयोग वो 2024 चुनाव की तैयारी कर रहा है, जी जो जैसे होता आया है उस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, अब जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो इसके आने के बाद तो बहुत कुछ नया करना होगा, हाँ, कार्यशैली सभी की प्रभावित होगी सर। तो बहुत सारी रणनीति बनानी होगी, प्लानिंग करनी होगी, बहुत सारी चीजों को बदलना होगा, उस हिसाब से प्लान करना होगा एक साथ हो सके, तो ऐसा जी कैसे संभव है उतने ही टाइम में वो कर लेंगे? वो तो सीधे हाथ खड़ा कर देंगे भैया हमको समय दीजिए, अब वो जहां समय मांगे तो इधर इनका कार्यकाल बढ़ेगा। तो उनका कार्यकाल खुद बढ़ रहा है, तो वो क्यों नहीं उनको समय देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ तो अब ऐसे भी केंद्र सरकार जो विचार बना रही थी, टीवी पर भी न्यूज में आ रहा था कि गर्मियों में चुनाव होते हैं तो जो शहरी वोटर हैं वो घर से उतने बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो आराम पसंद हैं, उनको गर्मी जी, लगती है, धूप में मतदाता नहीं का जा, प्रतिशत गिर जाता हाँ है। तो वोटिंग प्रतिशत जो गिर रहा है उसको बढ़ाने के लिए प्लान कर रहे थे कि ठंडी में करा देते हैं, तो 6 महीना टालने से वो प्लान भी सफल हो जा रहा है। हाँ, तो ठंडी तो अभी यही नहीं आई अभी तो, पूरा फिर समझ सकते हैं। जी तो सर। लेकिन अब ये वन नेशन वन इलेक्शन पास होता है, आता है बिल और पास होता है तो ये चीजें होंगी, अभी तो 18 से 22 में ही सब कुछ ओपन होगा कि क्या क्या लेकर आ रहे हैं, और विशेष सत्र बुलाया गया तो छोटी मोटी चीज के लिए तो नहीं बुलाया गया होगा, कुछ ना नहीं सर, ये कुछ, तो बात डेफिनेटली है, और यूपी गवर्नमेंट ने भी तो बुलाया है सर। हाँ तो कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल है, और जब हाँ, कुछ, स्पेशल सत्र में स्पेशली कार्य होंगे। और जब स्पेशल है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पहले से सबको बता के करेंगे? नहीं नहीं सर, बताया नहीं जाएगा वो अभी बिल्कुल। 4 पॉइंट जो व्हीप में जारी किए हैं वो 4 पॉइंट तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा जो कुछ वो लेकर के आ रहे हैं अभी तो वो ओपन किए नहीं है, बस जो है एक व्हीप जारी करके भैया सभी लोगों को, सभी सदस्यों को उपस्थित रहना और सरकार का समर्थन करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल दिए हैं हर तरह से जी। कि भैया जो चीज गवर्नमेंट लेकर आ रही है आपको हर हाल में उसका समर्थन करना, आपको वहां उपस्थित रहना है, और बीजेपी की कंडीशन इस वक्त जो है इतने स्ट्रिक्ट है कि हर नीचे वाला अपने ऊपर वाले बॉस से बहुत डर रहा है कि कब हमारा हाँ पत्ता सर, कट कार्यशैली जाएगा, तो इनकी है ही ऐसी। जी बिल्कुल पूरा सर। एक हाँ हायरार्की बन चुकी है बीजेपी की, जबकि हाँ कांग्रेस में भी हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है। वो डिमोलिश हुआ, इसलिए तो फिर सत्ता हाँ से बाहर चले गए तो थे। जो इनकी हायरार्की बनी हुई है बड़े अच्छे तरीके से बनी है, अभी देखिए बीजेपी में
पहले भी होता रहा है कि हम बनेंगे इस राज्य के सीएम, हम बनेंगे, दो चार लोग आपस में लड़ जाते रहे हैं। जी अभी कहीं चुनाव होता है, सब मुंह ताकते हैं, कोई नाम ये नहीं कहता कि हम सीएम का बनेंगे। चेहरा ही नहीं होता सर कोई। वो हर कोई बोलता है कि भैया जो ऊपर से डिसाइड होगा, हाँ, हम आला तो, कमान जो भी ऑर्डर हाँ करेंगे वो सब तो हम मंजूर तो होगा। कार्यकर्ता हैं। हाँ तो अब जो वो वाली स्थिति नहीं है कि हम बनेंगे हम बनेंगे, वहां सीधे भैया हम तो कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर से आदेश हाँ होगा जो भी हम करेंगे। जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन किया जाएगा, तो सबकी भाषा बदली हुई है, तो भाषा यूं बदली ही नहीं हुई है। बदली है, बहुत कुछ बदला हुआ है। इस वजह से तो जो इतना मतलब चेंजेस ला दिया है कि बड़े बड़े धुरंधर जो एक एक राज्य पूरा कंट्रोल उनके पावर हाथ में है, सीएम है जी वहां के या रह चुके हैं, अब वो जो है ऊपर है जो है अथॉरिटी जो है उनका वेट करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्पेशल सत्र बुलाया गया है और वो कह रहे हैं कि सबको आना है और वो लोग इसमें कहीं भी जो है चूक करें न जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 18 से 22 में तो होना ही है, और 1% हमें नहीं कहीं से लगता है कि इस 18 से 22 में वो नहीं रख करके अध्यादेश का सोचे होंगे, वो इसी नहीं में सर रखे वो तो होंगे। फिर हाँ टेढ़ी खीर क्यों खाई जाएगी, जब वो सीधी उंगली से घीर निकल रहा है तो तिरछी काहे की जाएगी। तो जब अध्यादेश की बात तब हम भी कर रहे थे जब तक ये विशेष सत्र की बात नहीं आई थी, जिस दिन जी पे विशेष हाँ सत्र तब की तो कोई बात आ ऑप्शन गई। नहीं था ना सर। हाँ हाँ, जब विशेष सत्र आ गया तो फिर अध्यादेश की बात तो भूलिए। अगर 22 तक मान लेते हैं, अगर 1% को माना जाए कि ऐसा कोई कारण होता है कि नहीं आता है, तो जी फिर वापस अब संसद की बजाय फिर अध्यादेश वाला रास्ता हो जाएगा। लेकिन होगा तो जी हर हाल में, उसमें कहीं जी इफबट नहीं है, होना तो ही है। जी चलिए सर, और बताइए कहीं कुछ कोई बस आखिरी पॉइंट। पॉइंट सर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। देखिए, ये आयोग जो है, हमें जी लगता है कि इसको चूंकि अन्य राज्यों में उन लोगों को उकसाने के लिए बीच बीच में इसका मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन इस आयोग को हमारे दिमाग में बार बार सवाल आता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्र सरकार के जो पुराने मैटर हैं यूपी और अन्य राज्यों के, उनको जी हल किए बिना राज्य सरकारों को नया आयोग गठित करा दे। नया आयोग जिस दिन गठित हो जाएगा तब तो राज्य सरकार पुराना कुछ पुराने तरीके से कर ही नहीं पाएगी, उसको फिर आयोग के जो नियम शर्त होंगे उसके अनुसार चलना पड़ जाएगा। हाँ सर तो इस सवाल का मेरे दिमाग में मतलब बार बार ये घूमता रहता था, इसका जवाब हमें 29 अगस्त को मिला। उनतीस अच्छा उससे पहले अखबार में आया कि भैया आयोग इस साल गठित नहीं हो सकता है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर 29 अगस्त का जो मीटिंग का लेटर सामने आया उसमें साफ जी साफ लिखा था कि जो बोर्ड भंग किए गए थे उनको फिर जी से सुचारू रूप से संचालित करने को उनको पावर देने की बात की गई, मतलब वो भी अपना कार्य करते ताकि रहेंगे। वो हाँ अपना हाँ कार्य कर सकें। तो जहां सारे, तक उनका तो पहला कार्य साथ चलने के लिए है। वो अच्छा मीटिंग अच्छा हो चुका है, उसके लिए प्रस्ताव वगैरह बना के भेज दिए होंगे, उसका कहीं ओपनली जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं सर कल आ दरअसल गया राजपत्र। ये राजपत्र नए आयोग का आया है ना, हाँ नए आयोग का, नए आयोग तो का। नया आयोग अभी कैबिनेट से पास हुआ है, राज्यपाल ने इसका जो है सब कुछ जो कल जारी हुआ उस पर मुहर लगा दिया। वो तो हाँ एक अब अलग सदस्यों का प्रक्रिया है, चुनाव शायद होगा। सदस्यों का चुनाव होना है, अन्य वो सारी चीजें गठन वगैरह भी बाकी है। तो हम जी बात कर रहे हैं उसकी मतलब जो आयोग से मेरा तात्पर्य था सर, आपकी बात रुकेगी, मतलब मोटा मोटी मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए लगभग कितना समय अभ्यर्थियों के पास है। अच्छा, आप तो आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको पुराना कोई मैटर है नहीं। हाँ सर, हाँ, हाँ सर जी तो देखिए यूपी के अंदर सुपर टेट या हो सकता है बिहार जैसा प्री मेंस जो भी देखने को मिले वो जो भी मिले। हाँ तो अब नया आयोग ही कराएगा, जी नई भर्ती नया आयोग ही लेकर आएगा, ये चुनाव से क्लियर पहले कर उम्मीद की दिया। जा सकती है। 2024 चुनाव, जी 24 चुनाव। 24 चुनाव या तो मार्च में हो रहा है या तो अक्टूबर नवंबर में जाएगा। जी सर तो मार्च में अगर हो रहा है तो चुनाव से पहले तो नहीं। नहीं होगा फिर तो, नहीं होगा डेफिनेटली सर। और अगर अक्टूबर नवंबर में जा रहा है तो पक्का है कि एक भर्ती दे देंगे, भले ही वो सिर्फ विज्ञापन निकाल के फॉर्म ही भरवा लें, लेकिन एक भर्ती दे देंगे। तो अच्छा। अब आप एक जो है ज्वाइनिंग की तैयारी कीजिए बिहार वाला, इसके बाद आप फोकस पहले कीजिए। शख्स हो सर आप जो ये बोल रहे हो, वरना हर जगह से ट्रोल ही सुनने को मिलता देखिए, हम पॉजिटिव, चाहे कितना भी नेगेटिव माहौल हो जी उसमें सर। भी आप खोजेंगे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहीं दिखेगा। हाँ तो निकलेगा सर, हम निकलेगा। उसमें से पॉजिटिव खोज करके, भले 100 में एक ही पॉइंट मिल रहा हो पॉजिटिव, उस एक पर हम बात करना चाहेंगे। 99 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, इनकार नहीं हाँ करेंगे,
उसको भी हम लेकिन एक्सेप्ट उसको करेंगे उसको लेकिन उन पे बात करने से तो क्या ही होगा फिर, हाँ वो तो है ही सामने। उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि वो चीजें नेगेटिव हैं, तो उस पर क्यों फोकस किया जाए। जो एक भी पॉइंट कहीं पॉजिटिव है तो उस पर फोकस किया जाए। तो हमारा क्या है कि हम पॉजिटिव जब पढ़ेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, तो हम भी पॉजिटिव रहेंगे। और जो इंसान पॉजिटिव रहेगा फिर वो ही आगे बढ़ पाएगा, नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल 100% आप बिहार वाला ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद आप कंटिन्यू नजर रखिए। आपने केवी वाला भरा था कि नहीं? नहीं सर, वो एज फैक्टर है हमारा। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी उससे जो बाहर है है। फिर भर्तियां बहुत आएंगी, यूपी गवर्नमेंट की भी आएगी आगे, केवी ना सही लेकिन टीजीटी वगैरह आप जो देना चाहेंगे उसमें पीआरटी को छोड़ के नहीं सर, आपकी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसलिए तो बहुत बड़ा पार्ट टूटा। बीटेक वाले कहीं कंसिडर नहीं होते ना अच्छा, हाँ आप जी, जरा हम सा केवल एक प्राइमरी में आप रखते एक हैं। बार चले जाइएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और वहां पर जो जिक्र किया गया 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय बीएड का, तो जी आप 1 वर्षीय वाला एक बार जरा डिटेल में पढ़िएगा। हमने जहां तक 1 वर्षीय वाले को समझा है जी वो सर। आप ही लोगों से संबंधित है। अच्छा, विदाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है। हाँ स्पेशल की बात की गई है, स्पेशल कोर्सेज जो, तो स्पेशल कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन की बात की जाए या इस तरह का कुछ भी, तो हमें तो यही लगता है कि बीटेक वगैरह या इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके लिए वो लाया गया है। मास्टर डिग्री अच्छा जो कर सर, चुके अच्छा। होंगे उसको एक बार जरा समझिएगा। अभी हम उसको डिटेल में पढ़े नहीं है, थोड़ा सा पढ़े थे इतना समझे हम, फिर जी सर। चूंकि 1 ईयर पर अभी फोकस नहीं है इसलिए उसको हम डिटेल में पढ़ने नहीं गए। तो बिल्कुल आप एक सर, बार पढ़िएगा, चूंकि आप बीटेक वाले हैं तो हमें लग रहा है कि वो आपसे संबंधित है कहीं ना कहीं, जरूर पढ़ेंगे सर, तो जरूर 1 वर्षीय पढ़ेंगे। वाला जरूर पढ़िएगा ताकि आपको जानकारी रहे। तो उससे संबंधित अगर कोई चीज करना है तो आप जो है अभी से उसमें लग जाएंगे कि बिल्कुल क्या सर, कैसे बिल्कुल। प्रोसेस उसका आगे लेकर आ रहे ओके, हैं। मतलब सितंबर में कुल मिलाकर के 15 दिन जा चुके हैं सर, अगले 15 दिन में लगभग 99% सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस सब मामले कुछ में। सब कुछ ये तो हर हाल में क्लियर कर देंगे कि बीएड को वो जो है क्या कर रहे हैं, क्योंकि सारी कहानी हम बार बार जिक्र किए कई लोगों से, सारी कहानी केंद्रीय विद्यालय से शुरू की गई, उसी को बेस बनाया गया, केंद्रीय विद्यालय को ही मोहरा बना करके सारा खेल खेला वही, गया, बीएड को हाँ वैलिड किया गया 2018 में। और फिर कहानी आकर के रुकी है फिर केंद्रीय विद्यालय पर ही, 6,000 भर्ती निकली है पीआरटी की, उसका रिजल्ट पेंडिंग बिल्कुल, है। हाँ पेंडिंग है। तो लोग और जो है, केवीएस का वो लेटर भी वायरल हो रहा है सर अब तो, जो इन्होंने खुद से लिखा था एनसीटी को। हाँ जी तो जब केवी ने ही इसकी पहल की थी, वो केवी जो लोग कह रहे हैं अरे केवी निकाल देगा ये कर देगा, क्यों तो वो केवी क्यों जल्दबाजी करेगा? जो केवी 8 महीने 6 महीने इंतजार किया रिजल्ट का, टीजीटी पीएचटी कब का दे जी दिया, हाँ 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 तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। जब कोर्ट ऑर्डर आ गया है तो अब उसको या तो डिक्लेयर करके आगे बढ़ना चाहिए था तुरंत, सिंपल सर, 4 लाइन लिखनी थी उनको भी और एनसीटी को भी, नई गाइडलाइन देने के लिए। तो उनको आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन वो बिल्कुल अभी भी जो है कहीं भी ये नहीं लिख रहे हैं कि हम रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं बीएड को छोड़ करके, तो कहीं ना बिल्कुल कहीं सर। अभी वो और वेट कर रहे हैं किसी चीज का। और सही जब हम बात है। केवी का लेटर देख रहे हैं तो उसमें जो जिक्र किया गया है 13 से 17, अगर उनको डेट देना ही था तो वो डेट जो है और पहले का भी हो सकता था और बाद में का भी हो सकता था, लेकिन 13 से 17 हम इसको सिर्फ जो है एक ये नहीं माने हैं कि कोइंसिडेंटली हो गया या ऐसे ही उन्होंने प्लान किया है 13 से 17। क्यों? क्योंकि 18 से संसद बैठ 18 रहा से है। 22 फिर है। हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं उनको है इस चीज का जानकारी, या कहीं ना कहीं से आदेश मिला है कि आप ये डेट रखिए, तो उसी बिल्कुल हिसाब से सर, डेट रखे हैं। लोग पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते हैं या क्या है, हम कहते हैं भैया राजनीति का लेवल आप समझो, राजनीति चल रही है प्लस कूटनीति आप समझो, और आप जी पहले डिसाइड करो कौन किसके टीम में है, हाँ, सर यही कौन बात है। पक्ष की तरफ है कौन विपक्ष की तरफ है। तो जो पक्ष की तरफ है एनसीटी भी पक्ष की तरफ रहेगी, वो विपक्ष की तरफ कभी जाएगी नहीं। कोई सदस्य एकाग बगावत कर दे वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी संस्था की बात कर रहे हैं कि वो पूरी संस्था कोई भी डिसीजन लेगी तो सत्ता पक्ष की तरफ रहेगी। ऐसे ही जी शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, ये सब जो है हमेशा सत्ता पक्ष की तरफ रहेंगे। बिल्कुल सर, ये तो इनको तो पावर ही वहां से मिलती है। हाँ अब अगर कोई वहां पर बैठा व्यक्ति कांग्रेस सपोर्टर हो या अन्य किसी का सपोर्टर हो, वो उसका व्यक्तिगत राय है, लेकिन उसका व्यक्तिगत राय वहां पर वैल्यू नहीं रखेगा, वैल्यू नहीं करेगा कुछ बिल्कुल सर। भी, क्योंकि उनको ऑर्डर फॉलो करना है। जी सर, तो जी बिल्कुल। ये जो लोग जो है बिहार का, राजस्थान का, पश्चिम बंगाल का, कहीं भी कुछ भी होता है तो उसको लेकर के हल्ला फैलाते हैं, तो हम उसको महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि मेरी नजर में वो सेकेंड टीम है, वो विपक्षी टीम है।
हाँ और हाँ सर सही बात है। तो हम बस ये देखते हैं कि जिस टीम पर हमें भरोसा करना है, जिस टीम को सब कुछ करना है, वो है सत्ता पक्ष। तो हम उसकी तरफ जो जो लोग हैं हम उस पर नजर दौड़ाते हैं कि केवी क्या कर रहा है, या अगर सीबीएसई कोई चीज करा रहा है तो वो क्या कर रहा है, या जी एनसीटी सर। क्या कर रहा है, तो वो चीज। और अब लोग क्या है, योगेश जी ने ऐसा बोल दिया। भाई योगेश अच्छा जी जो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं उसको ध्यान हाँ दीजिए सर, आप। वो नई नई बात थी, माननीय न्यायालय के डिसीजन को 3 ही दिन हुए थे। हाँ, इस तरह से अवमानना भी तो नहीं की जा सकती। वही कहानी हुई बिहार में बीपीएससी में अतुल प्रसाद जी के साथ। क्या रहा वहां? मैं माननीय न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं बनूंगा, वो तो कोई नहीं बनेगा, वो भी खास बिल्कुल। तौर पे तब हाँ जो सुप्रीम हाई कोर्ट में चलता है, चलता है सर। हाँ एग्जैक्टली सर, वहाँ इतनी छूट होती है। हाई कोर्ट के पास उतने अधिक पावर नहीं जितना सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, पास है, हाँ सर सुप्रीम तो सुप्रीम है, बिल्कुल सर। और हाई कोर्ट के अगेंस्ट लोग चले जाते हैं उसके पीछे रीजन है कि हाई कोर्ट का जजमेंट चैलेंज किया जा सकता है, एग्जैक्टली सर। हाँ। तो वहां पर तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वो चैलेंज होने का कोई मतलब ही नहीं, कहीं अब रास्ता ही नहीं बचा है, आप उसको कहाँ लेकर के जाएंगे नहीं सर, पुनर्विचार में। मैक्सिमम बस हायर जजिस बेंच में, वो भी शायद कंसीडर ना भी करे। हमें जहां तक अभी तक जानकारी है हमें नहीं लगता कि जी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ऊपर की बेंचों ने पलटा है, शायद शायद कोई खोजने पर नहीं हमें सर, मिल जाए। बहुत बड़ा अगर जनसमूह प्रभावित हो रहा हो तो माइनर चेंजेस तो देखने को मिले हैं आज तक। तो थोड़ी माइनर, शिथिलता दे दी गई कभी किसी को, बस इतना ही। हाँ जजमेंट पूरा नहीं चेंज हुआ कभी भी, नहीं नहीं होता सर, नहीं होता है। और हाई कोर्ट ने जिस चीज पर सुनवाई की हो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है सालों तक सुनवाई करके जजमेंट दे फिर जी उसको बदलना पड़ जाए, ये कैसे संभव है, वो हो हाँ सकता सर, है? वो गरिमा पर ठेस पहुंचती है उससे। अभी कुछ लोग गए हैं कि जो है हम ऐसा करा देंगे, जैसे वही देवेश जी हैं हाँ एक राजस्थान वाले, छोटा सा हाँ पॉइंट याद आया सर, वही आ रहा था, क्लेरिफिकेशन जो डाला है उसमें उन्होंने कुछ क्लियर डाला हो सकता है। हाँ 1% नहीं भाई अच्छा, नहीं एग्जैक्टली वहां। उसमें थोड़ा ये तो बता सकते हैं कि सर कब से प्रभावी है, क्या है, इतना तो इसका जवाब तो मिल सकता है शायद। देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था, उस जी ऑर्डर के क्लेरिफिकेशन के लिए न जाने कितने लोग गए, अच्छा किसी का कोई सुनवाई नहीं, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। कोर्ट ने अपना ऑर्डर जब किया तो उनको जी पता है कि इस ऑर्डर को किसको समझना है, उनसे उनकी जी बातचीत जो है ऑर्डर जारी करने से पहले भी हुई, ऑर्डर जारी करने के बाद भी बहुत बार होती रही होगी, होती होगी। तो बिल्कुल सर, क्लेरिफिकेशन जिसको देना है वो अपने तरीके से दे रहे हैं, भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, रिपोर्ट लेते रह रहे हैं कि जजमेंट में तुमने क्या किया। बाकी तो आम जनता मतलब को अगर जो चीज हाँ नहीं बताना है, भाई जजमेंट में कोई चीज क्लियर नहीं किया इट मीन्स आम जनता को नहीं बताना है जी कोई जी चीज, जी अच्छा तो जो अच्छा चीज आम जनता हाँ को हाँ नहीं बताना है फिर आम जनता फिर उसको जाएगी, कहाँ खोल करके बताएंगे। हाँ हाँ कोई हाँ भी जाएगा तो क्यों उसको फिर बताने जाएंगे। अगर अच्छा उनको ये चीज डिक्लेयर करना ही होता कि इस जजमेंट को कब से कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो लिख दिए होते। डायरेक्ट लिख देते सर। हाँ 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 लेकिन उन्होंने हाँ नहीं लिखा है तो वो नहीं लिखेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे। कोई भी अच्छा सर। जजमेंट होता है कोई भी, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर वो मैटर गवर्नमेंट से रिलेटेड है जी सर, तो कोर्ट के अंदर जो सामने बहस होता है सुनवाई होती है वो तो होती ही है, उसके अलावा भी पर्दे के पीछे बहुत सारे होता मीटिंग हुआ है, होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट ने अगर डिसाइड हाँ कर लिया है कि ये काम हमें ये ऑर्डर करना है तो भी वो गवर्नमेंट को पहले बुला करके उनको बताएगी कि भैया हमें ये ऑर्डर इसमें करना पड़ेगा हमें, अब ये हाँ बताइए और इस चीज को आप पूरा कैसे आप कैसे करेंगे। समझेंगे इसको, हाँ अप्लाई कैसे हाँ करेंगे। क्योंकि जी। अप्लाई आप ही को करना है, तो जब वो अपनी सहमति जताएंगे रास्ते बताएंगे तो फिर उसी जजमेंट को उस तरीके से लिखेंगे, ऐसे तरीके से लिखा लिखेंगे कि जाएगा। हाँ गवर्नमेंट हाँ को जो समय चाहिए या जो जिनका, कुछ हाँ करना है उनको जो समझना है और जो करना है वो खुद से वो कर लेंगे, हाँ कर लें, क्योंकि और वो क्योंकि अवमानना भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्दी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्दी है गवर्नमेंट के खिलाफ तब तक जब तक गवर्नमेंट करने के लिए तैयार ना हो। गवर्नमेंट जी अगर सर। नहीं करने की हाँ कंडीशन में है तो ऑर्डर कर देने मात्र से वो नहीं होगा। इसका जीता जागता उदाहरण शिक्षा मित्र मैटर है, हाई कोर्ट ने हाँ क्या सर किया, बिल्कुल हाई एग्जैक्टली कोर्ट सर। ने ये नहीं कहा कि हम जो है शिक्षा में संयोजन रद्द कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम 91 पेज का जजमेंट लिख दिए और अंतिम में लिखते हैं हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, भेज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। उन्होंने कहीं भी संयोजन रद्द क्यों किया जाए इसके बारे में खूब लिखा है 91 पेज,
लेकिन रद्द करने की बात नहीं की है, सीधे कहे हम अब सुप्रीम सर कोर्ट इस भेज रहे मैटर में हैं। एक छोटा सा विरोधाभास है, अगर उसको क्लियर कर पाएंगे। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को रद्द किया था गजट, लेकिन जब वहां का मैटर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए तो उस पर स्टे नहीं हुआ था, अगर आपको याद हो। किस मैटर में बात करें, यही जो अभी भर्ती वहां यही, की? हाँ यही 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 तो राजस्थान, देखिए हम डिटेल में अभी उतना राजस्थान का भी नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा आपसे भी जिक्र करेंगे कि जी उन्होंने विज्ञापन निकाला, बीएड को मौका नहीं दिया, हाँ, वो बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने मेंशन की कि ये तो राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी गलती है। हाँ, हाँ तो जी उनकी गलती होते हुए भी उनको कोई जो है लिखित ऑर्डर नहीं किए कि आपको क्या करना है, क्यों? साफ लिख दिया सर उसमें तो कि राजस्थान गवर्नमेंट को उस समय बीएड धारियों को कंसिडर करना चाहिए था। हाँ, लेकिन फिर भी वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि इन जो आप फिर से इनको इनसे फॉर्म भरवाइए, क्यों? क्योंकि फिर वो हाँ गजट ही तो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट, तो किस जी भी जी आप जी कहें कि भैया इनको मौका दो। हाँ, लेकिन वो गलत थे इसलिए उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहा, फिर से आप क्वेश्चन कीजिए एक बार। मेरा क्वेश्चन ये रहा कि 18 में गजट आया, हाँ नवंबर 21 राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन तक तो वैलिड है वो, हाँ नवंबर 21 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जैसे उसको क्वेश्ट किया और वो याचिका फिर आ गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ना देने के बजाय कंटिन्यू किया सुनवाई उसकी, और फिर अभी 11 अगस्त को अपहेल्ड कर दिया उसी डिसीजन को। तो डीएलएड धारियों का जो पक्ष है उनका ये कहना है, हमारा भी यही कहना है कि इसके लागू होने की 2 तारीखें फिलहाल हो सकती हैं, सबसे ज्यादा चांसेस तो 11 अगस्त 2023 या फिर राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन 25 नवंबर 2021। अच्छा, तो जो हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ उस ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं है, ना हमने पढ़ा है, हम उस ऑर्डर में क्या है और केस वहाँ क्या एग्जैक्टली जो है बना था, हमें उसका पूरा डिटेल नहीं मालूम है कुछ भी, अच्छा सर, अच्छा। तो इसलिए हम इस पर जब तक पढ़ नहीं हाँ लेंगे नहीं, चर्चा नहीं कर पाएंगे। मेरा मेरा कहना थोड़ा सा ये था सर। एक सामान्य हाँ चर्चा ये हो सकता है कि देखिए जी 2018 में एनसीटी ने गजट जारी किया, तो जी जब एनसीटी कोई चीज जारी कर दी तो राज्यों को हाँ अपने यहाँ लागू करना होता है, जो राज्य लागू कर हाँ दिए तो कोई विवाद नहीं है, जो राज्य नहीं लागू करते हैं कोई चीज एनसीटी के नियम के अनुसार तो वहां विवाद होता है। वहाँ विवाद होता है। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए कि एनसीटी के गजट जो है वो रद्द हुआ है या उसमें कोई कमी थी, इस चीज को हम लोग छोड़ दें इस पॉइंट को, तो नियमता देखा जाए तो राजस्थान सरकार का जो विज्ञापन था जी वो जो है रद्द करके फिर से जो है नया विज्ञापन जारी करा के और बीएड वालों को मौका दिलवाना, यही उसका प्रोसेस होता आगे का। आगे का तो यही होता अगर उस हाँ डिसीजन पे जाया जाए। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ यही कोर्ट ऑर्डर होता। बिल्कुल चूंकि अब क्या हुआ कि जो जिस गजट के बेस पर सर ये क्या नाम है जो केस लड़ रहे हैं, देवेश देवेश शर्मा जी देवेश शर्मा जी, जिस गजट के बेस पर केस लड़ रहे थे, अब वो जी गजट ही नहीं रहा, जी तो कोर्ट ने जो है जब वो गजट रहा ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी राजस्थान गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर नहीं किया, तो राजस्थान गवर्नमेंट का जो जैसे चल रहा था उन्हें जो करना था वो वैसे ही सब कुछ रह गया, वो आगे उसी में बढ़ेंगे, हाँ सर, वो हाँ बिल्कुल, बिना बीएड के अब आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उनको कोई बिल्कुल, रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हाई नहीं कोर्ट नहीं के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया उन्हीं के और सापेक्ष में है जी बिल्कुल। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर उनके विरोध में है नहीं, ठीक उनके विरोध में लिखा जरूर गया लेकिन हाँ वो ऑर्डर तो गलती मेंशन की उन्होंने उसकी हाँ सिर्फ मेंशन जी, किया गया लेकिन क्या हाँ करना है नहीं बताया हाँ गया, उस पर कोई वो नहीं दिया, बिल्कुल सही बात कह कोई रहे रोक हैं नहीं लगाया या कोई ना, सुधार डायरेक्शन करने की कुछ बात नहीं है। नहीं की, हाँ कोई हाँ डायरेक्शन नहीं है, तो जी राजस्थान गवर्नमेंट तो दम फ्री है, वो अपना जो जैसे कर रही थी करेगी। हाँ, अब इस बीच जो है 18 से 22 में या आगे पीछे जब भी फिर जी नया सर कुछ हो जाता है, तो अब नया होने के बाद स्थिति जितनी परिस्थितियां सब बदल जाएंगी अचानक से, हाँ सर, हाँ तो अब उस कंडीशन में तो यूपी गवर्नमेंट का 69,000 सेफ हो जाएगा, हाँ सेफ हो जाएगा, पर सर शिक्षा मित्र तो पहुंच चुके न उनको तो छोड़ दीजिए, वो जो है बिना मतलब का वो गए हुए हैं, उसको हाँ कोई उनको वैल्यू तो लग देने की रहा है जरूरत कि नहीं है, चलती गंगा में कैसे भी थोड़ा भी हाथ धुल जाए तो बस मजा आ जाए। वो खिसियाई आई बिल्ली खंबा नोचे वाली हाँ कहानी है, एग्जैक्टली यही बात है सर। उनको हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसका मैटर नहीं है। अब कुछ जो बीएड वाले भी गए हैं शिक्षा मित्र, जो टेट नहीं पास हैं, दो मौके पूरे हो गए, हम बाहर कराएंगे, वो भी जो है खिसियाई आई बिल्ली खंबा नोचे वाले हैं एग्जैक्टली सर, उनका तो यही है। भाई, हाँ कोर्ट का उनका तो हो उतना सकता है पहली ही तारीख में ना हो जाए।
हाँ भाई कोर्ट ने कहा था दो मौके दीजिए, वो दे दिए, इसके बाद कहा कि वो भारंक भी गवर्नमेंट, दिया सर, 25 नंबर घर से जेब से जेब में डाल के गए थे। और बाकी कोर्ट ने लिख दिया है कि गवर्नमेंट इनके बारे में कंसीडर करे, तो गवर्नमेंट ने कंसीडर करके उनको रखा हुआ है, तो आप कौन होते हो उनको जाके सलाह देने वाले या बाहर कराने वाले या कुछ भी। भाई एग्जैक्टली सर। गवर्नमेंट का मन करेगा किसी अनपढ़ को रखा के पढ़ाएगी, अगर कोई नियम कानून नहीं है ऐसा और उनको अपने से डिसीजन लेना है तो अनपढ़ को भी रख के करा देंगे। अगर हाँ, आरटी वो एक्ट, स्वतंत्र है सर, कर सकते अगर हैं। आरटी एक्ट नहीं होता तो 10वीं पास को भी रखते तो कोई रोक पाता क्या? तो खैर वो अलग मैटर है। तो अब जब नया जो भी बिल पास हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है जी सर। उसका जो है राहत यूपी भर्ती जो 69,000 उस पर हो जाएगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बिहार भर्ती जैसे जो चल रहा था उसमें बीएड को हर हाल में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जी छत्तीसगढ़ सर। और जहां जहां जो प्रक्रिया चल रही थी कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सब जगह बीएड लिया जाएगा। फंसेगा तो एक भर्ती फंसेगा, राजस्थान का फंस सकता है, कोई ना कोई फिर हो सकता है कोर्ट लेकर चला जाए, लेकिन हाँ हाँ वो हाँ भी फंसने के चांसेस कम है क्योंकि कम है सर उसके भी अब। ये जो आएगा वो जिस तारीख से आएगा, अगर उस तारीख से आगे की चीजें हो रही हैं और जो पुरानी भर्ती हो चुकी है जैसे हो चुकी है उसको एज इट इज की बात की जाती है तो भी राजस्थान सेफ है। लेकिन अगर उसमें साफ साफ लिख देते हैं कि ये चीज इस तारीख से सब सबको मान्य होगा 28 जून 2018 से ही, तब फिर से राजस्थान हाँ, वाला तब बवाल विज्ञापन हो जाएगा। हाँ वहां सर। हाँ हाँ वहां बवाल होगा बस, क्योंकि वो और कहीं फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जो पैरा है उसको भी पढ़ा जाएगा फिर। हाँ तो फिर जी सुप्रीम सर। कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट और जो गवर्नमेंट हाँ अमेंडमेंट करने जा रही है, बिल लाने जा रही है, वो सारी चीजें फिर से उलझ इकट्ठी होकर जाएंगी। के जाएंगी। अब हाँ फिर सर। से उस पर हाँ विचार करना होगा भैया कि अब किसके अनुसार चलना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फिर एनसीटी तब उनको गाइडलाइन देगी क्या करना है, तो उसको पालन करना पड़ जाएगा उनको। जी कोर्ट सर। जाए या ना जाए, कोई एनसीटी हो सकता है गाइडलाइन देते, या अगर कोई कोर्ट जाता है तो फिर कोर्ट से जो डायरेक्शन मिल जाए। तो खैर बिल्कुल सर, हम समझ आप गया। तो हम आप जितने थोड़ी बहुत इन सब की जानकारी रखते हैं उतने पर चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। एग्जैक्टली हाँ क्या होने वाला है कैसे वो हम लोगों की इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग भी हो सकता है। हो सकता है हम लोग बहुत कम चर्चा कर रहे हो, बहुत कुछ होने वाला बहुत हो। कुछ बड़ा हो जाए। हाँ 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 बड़ा तो होगा, अब कितना बड़ा होगा वो वो अब, देखना है। हाँ वो हाँ देखना है बस। चलिए हाँ और तो सर, एक बताइए प्रोमिस कुछ। आपसे कर दे रहे हैं, अगर बिहार में कंसीडर हुए तो आपको मिठाई खिलाने पर्सनली हम आएंगे। बिल्कुल आइए भाई, स्वागत है, हाँ और 100% होगा जिस तरह से आपने बताया। देखिए हमसे बहुत सारे लोग बात करते हैं और सामने वाला जिस तरह से बात करता है तो बातों के आधार पर लगभग हमने कई लोगों को कहा है भैया आपका नहीं होगा, कुछ लोगों को हमने कहा आपका होगा, तो वो जी सर, सामने वाले के कॉन्फिडेंस जो लेवल आकलन पे कर पा हो जाता है सर। हाँ, एक अनुभव होता और है। जो नंबर वो बता रहे होते हैं उससे समझ में आ जाता है कौन कैसा। एक शिक्षा मित्र ने फोन किया, मैं 2 बार टेट पास हूँ, मैं सी टेट पास हूँ, खाली ऐसे बोल रहा है सारी बातें करने के बाद, एक बार भी उसने नंबर वंबर का जिक्र नहीं किया। खैर जी वो सर। ऑडियो हमने जब डाला तो थोड़ा सा अपने तरफ सामने बोल कर डाला कि ये भाई साहब पता नहीं सी टेट टेट पास भी हैं या खाली हवा में फेंक रहे थे। तो जी सर जी। बातों से तो समझ में आ जाता है कि कौन किस लेवल का व्यक्ति है। एग्जैक्टली सर, पता चल जाता है। हाँ, तो हम कुल तो मिला बस यही है सर, एक मौका कहीं भी मिल जाए। वो बिहार में मिला था तो वहां भी परफॉर्मेंस दी है, आगे यहाँ मिल जाए यूपी में तो मतलब उस चीज पे दिक्कत नहीं है, इस लेवल के एग्जाम में दिक्कत नहीं आती है। इतना संघर्ष कर चुके हैं पिछले 5 सालों आप में। जो है हमें पूरा उम्मीद है कि अगर आप भी जो है वैसे किसी ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे जैसे आपके भाई साहब जिस ग्रुप में पढ़ गए हैं, तो आप जी बहुत सर। बहुत अभी आगे निकलने वाले हैं, और आप ही नहीं आपके भाई साहब भी आगे निकलने वाले हैं। बस भगवान अच्छा का आशीर्वाद वो हम चाहिए सर। आपको हाँ पढ़ करके सुना देते हैं, जो भी हम बता रहे थे, जो बोर्ड जो भंग कर दिए गए थे सारे हाँ सर, उसके सुनाइए। संदर्भ में लिखा हुआ है। परिषदी विद्यालयों में मौलिक नियुक्तियों का रास्ता खोले जाने एवं चयन बोर्ड सहित भंग किए गए सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में, मीटिंग में 20 पॉइंट रखे गए थे, जी उसमें चौथा पॉइंट ये था। तो यहाँ पर अच्छा साफ अच्छा साफ कि अच्छा नियुक्तियों हाँ का रास्ता खोलने के लिए और चयन बोर्ड जो भंग किए गए हैं उन सभी आयोगों को बहाल किए जाने के संबंध में, तो मीटिंग हुई होगी अधिकारियों की, इस पर उन्होंने अपना जो भी मीटिंग में तय हुआ होगा वो भेजा होगा सीएम मतलब साहब कुल को, मिला के कहानी यही है सर कि फिर से कार जितने भी जिम्मेदारियां हैं उनका बंटवारा ही कोई किया जाएगा, जो जैसे चल रहा था चल रहा था। जब तक, हाँ, एक से ही चलेगा। हाँ जब हाँ, तक नया आयोग ऐसा नहीं कि बनने, एक नया आयोग बन रहा है तो कल सब में ताला लगा करके फिर अकेले इसको काम दे दिया जाए, पता चला 5 साल तक बैठा हुआ है।
समझ गया मैं नया आपकी बात। आयोग अभी हाँ जब हाँ तक नहीं कार्य शुरू करता तब तक ये सारे जो बोर्ड हैं आयोग हैं इनको फिर से बहाल करके इनसे सारा बिल्कुल काम हाँ कराएंगे। काम कराया जाएगा। हाँ यही तो मेरे दिमाग में घूमता था कि इधर नया आयोग बना रहे हैं उधर केंद्र जी जी सरकार को उधर अभी हाँ हाँ वर्षवार हाँ वगैरह करना है कैसे करेंगे समझ में नहीं आता। कहीं कहीं हम भी पजल्ड हो जाते रहे कि बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है राज्य और केंद्र में यहाँ पर इस पॉइंट पर। लेकिन हाँ वो सर जब ये लेटर पढ़े हम मेरे सामने आया मीटिंग का तो वो सारा विरोधाभास खत्म हो गया और इसके पहले उन्होंने साफ कह दिया कि भैया इस साल तो आयोग नहीं कर पाएगा कुछ। अब तो जी दोनों जी न्यूज जो है आयोग जब हाथ खड़े कर लिया और फिर बोर्ड जो आयोग जो है पुराने उनको जो भंग किए गए बहाल करने की बात आ गई तो क्लियर हो गया कि भैया ये तो सिर्फ जो है हाथी के दांत थे दिखा रहे हाँ, थे वो पुराने साथी जो हैं वो ही कर्तव्य निभाएंगे वो अपना। बिहार के लिए जो है दिखा रहे थे कि हमने आयोग गठित कर रहे ये कर रहे वो कर रहे ताकि बिहार जो है जो भाग रहा है आगे आगे जी वो ज्यादा जो उछल रहा और उछल ले। हाँ, वो है ना सर, उनका लोकसभा और राज्य ये विधानसभा दोनों ही पास में है। हाँ, तो ऐतिहासिक भर्ती तो देनी थी तेजस्वी हाँ तो उनको देना यादव है जी वो को। उछलना चाह रहे हैं हाँ, और जहां लेकिन वह फिर भी नेता जनहित में अच्छी बात है सर। देखिए, अगर जनहित इसको राजनीति से अलग रखा जाए थोड़ी देर के लिए, हाँ तभी अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ तो कुल मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो बिहार सरकार की जो सोच है कि इलेक्शन से पहले हम ये सब करके फायदा उठा लें तो वन नेशन वन इलेक्शन आते ही उनकी प्लानिंग फेल होगी या वो हो तो जाएगी प्लानिंग सर। पूरी तरह हाँ फेल होगी या तो वो क्या करेंगे अपनी स्पीड को कछुए वाली बना देंगे जो अभी खरगोश वाली है अभी बहुत जल्दी जी जी जल्दी कर रहे हैं हर चीज जो। तो फिर जब देखेंगे कि भाई चुनाव तो इतना लंबा गया तो फिर कोई ना कोई हाँ, समस्या दिखा करके इधर से उधर दिखा कुछ करके डीले फिर करते पोज ले धीरे लिया जाएगा धीरे फिर। हाँ फिर हाँ कछुए की हाँ चाल से चलने लगेंगे। जी चलिए जी काफी चर्चा हो बहुत गई लंबी। है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा आपने आपसे बात आपने करके आरटी जी। और भी कुछ पॉइंट लिखे थे तो बस नहीं सर, एग्जैक्टली यही 5-6 पॉइंट थे। बीपीएससी था, आरटी एक्ट अमेंडमेंट था, अच्छा, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस वगैरह। था, नया शिक्षक यूपी में शिक्षक भर्ती थी। चलिए सारे हाँ यही पॉइंट आ थे। गए हैं। हाँ हाँ कवर हो चुके हैं सर, कवर हो चुके हैं। चलिए ठीक है आपका फिर शुभ नाम सर? हमारा नाम पुनीत केसरी पुनीत केसरी। हाँ भूल गए, हाँ याद आया, याद है। हाँ, कहाँ से हैं सर बिलोंग, कहाँ से करते हैं? बनारस। बनारस, वाराणसी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सर, फिर अगर बिहार में कंसिडर हुए तो आएंगे सर, जरूर मिल आएंगे आपसे अरे एक बार। कभी भी आइए स्वागत है। और बिहार बिल्कुल सर, में बिल्कुल। कंसीडर नहीं होगा आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर अब मतलब मिलेगा। हमारा तो कंसिडर पे ही केस अटका है सर, मेरिट में तो बाहर नहीं होंगे, गारंटी है इस चीज की। आप जब मेरिट से बाहर नहीं होंगे तो फिर कंसीडर वाली हाँ, बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं ज्वाइनिंग की तैयारी कीजिए आप ये जो बस। 87 में स्कोर बता रहा हूँ सर आपको, ये ऑफिशियल आंसर की के बाद है। इसमें मुझे केवल 2 से 3 क्वेश्चन पे ये डाउट है कि मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा कि मैंने सी लगाया है या डी लगाया है, क्योंकि तो उन्होंने उसकी कार्बन कॉपी नहीं दिया मुझे। अगर ये मान के चला जाए 5 नंबर हाँ, या तो आप ऊपर जाएंगे या इतना तो 5 होगा नहीं सर, नंबर होगा नहीं इतना। हम फिर भी मान हाँ लेते हैं हाँ कि अगर हाँ पांच जी हाँ पर जी मान कर चले हैं 5 या तो हाँ, ऊपर या 5 या तो नीचे आप नीचे सतासी ही मान लीजिए। हाँ सतासी से अगर 5 नीचे भी आते हैं तो 82 एक अच्छा स्कोर है। हाँ सर, अदर स्टेट के रेस्पेक्ट में जैसा पेपर हाँ था, जो वहाँ लेवल का, हाँ बढ़िया जिस स्कोर है लेवल का सर। पेपर है जैसा अभी तक दिख रहा 82 भी बहुत अच्छा स्कोर है। तो वैसे आप बता ही रहे हैं 5 का तो नहीं आएगा और हमें मैक्सिमम 2 से 3, क्योंकि कार्बन कॉपी नहीं है ना सर, तो जिसने जिदो तुक्के जो लास्ट में लगाए उन्हीं पे 1-2 क्वेश्चन पे डाउट है कि ये है कि ये है, बस तो उनका हमें लगता है आपने नंबर जोड़ा भी नहीं होगा 87 नहीं में। जोड़ा है सर, ये काट कर गया है। तो हाँ नहीं जोड़ा है आप मैंने सर। तो आपका तो माइनस कहाँ होने के चांसेस हैं प्लस हाँ ही नहीं है होने के सर, चांसेस चांसेस नहीं हैं। है। हाँ नहीं है सर, आपकी नहीं है। बातों से ये कह तो रहे हैं हर चीज क्लियर हो जाता है सामने वाला क्या किया है हाँ क्या उनका अप्रोच है सब कुछ बातों से क्लियर हो जाता है। आप जिस तरह से बता रहे हैं ना कि डी है सी है जब आपको डाउट है तो आप जैसे बंदे जो है कभी भी उसको ऐड करके नहीं अब चलेंगे वो उसको प्लस में छोड़ कर नहीं लेते हैं चलेंगे। सर। हाँ, न्यूट्रल छोड़ के चलना होता है तो एग्जैक्टली आपने सर। उनको छोड़ करके 87 काउंट किया है हाँ जी सर। तो उनमें से एक दो नंबर बढ़ने के ही चांस हैं कम तो नहीं होने वाले हैं। तो हाँ चलिए सर, कहानी तो आपको यही जो है। है ऑल द बेस्ट धन्यवाद और सर। एडवांस में हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस अरे 100% जो सर, है आप ज्वाइन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए जी जी सर सर, फिर धन्यवाद सर। बात हाँ होगी सर, हाँ ठीक है रखते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार।